हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पायरेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग फार्माकोग्नोसी का ग्लाइकोसाइड टॉपिक जो बेटा स्टार्ट किए थे। ग्लाइकोसाइड में हम लोग इंट्रोडक्शंस वाले पोर्शंस देख लिए हैं, क्लासिफिकेशंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हमने थर्ड पार्ट जो ग्लाइकोसाइड के लिए आपके लिए लाया था, उसमें फैमिली, उसके सिनोनिम्स और बायोलॉजिकल सोर्स जो था वो क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। आज वाली क्लास में यानी कि ग्लाइकोसाइड पार्ट फोर में हम लोग कुछ ग्लाइकोसाइड्स जो हैं उन ग्लाइकोसाइड के केमिकल कंस्टिट्यूएंट वगैरह, उनके यूजेस वगैरह क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ग्लाइकोसाइड फाइव जो होगी यानी आने वाली क्लास में हम पार्ट फाइव बनाएंगे, जिसमें ग्लाइकोसाइड के केमिकल टेस्ट वगैरह हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और कुछ फिर कैल्शियम ऑक्सलेट, स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, ये सब सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपको लगभग इस सब्जेक्ट से 10 to 15 क्वेश्चंस जीपेट में पूछे जाएंगे और ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट बेस्ड होते हैं बेटा, यानी कि अगर आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। यानी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत कम यूज होता है। और हम लोग, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत सारे निमोनिक्स दिए थे, छोटे छोटे ट्रिक्स दिए थे, और उन ट्रिक के बेस पर ही मैं आपको क्या बताया था कि कैसे क्लासिफिकेशंस याद करने हैं, कैसे फैमिली याद करना है, कैसे बायोलॉजिकल सोर्स याद करने हैं, कैसे उनके सिनोनिम्स याद करने हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ट्रिक के थ्रू क्या करवाया था, याद करवाया था। और आई होप अगर आपने उन चीज़ों को, उन ट्रिकों को अगर आपने अप्लाई किया होगा, और आज वाली जो क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे तो आज लगभग 90% जो ग्लाइकोसाइड है उसका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद जब आप ग्लाइकोसाइड का टेस्ट दोगे बेटा, नो डाउट आपका टेस्ट में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और क्वेश्चंस जो है वो आपको टच होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, ग्लाइकोसाइड जो हमारी बुक है बेटा, उस बुक का पार्ट मैं आपके सामने लाया हूँ। ग्लाइकोसाइड सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में इन चीजों को आपको डिस्कस करता हूं। क्या है ग्लाइकोसाइड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोसाइड क्या है भाई, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हैविंग टू मॉइटी, शुगर एंड नॉन शुगर, है ना। सेकंड है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शुगर इट इज सॉल्वल इन वाटर एंड इनसॉल्वल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मैंने बताया था कि फर्स्ट पार्ट में ही, मैंने ग्लाइकोसाइड पार्ट वन में ही बताया था कि शुगर मॉलिक्यूल के कारण ही यहां पर क्या होता है भाई, वाटर की सॉल्युबिलिटी इनहेंस होती है। थर्ड है, ग्लाइकोन मॉइटी हैव द थेरापूटिक एफिकेसी, द बोथ मॉइटी आर लिंक टू ईच अदर बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड एंड हाइड्रोलाइट बाय द हेल्प ऑफ FeCl3 एंड मिनरल एसिड। मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड ग्लाइकोन और अग्लाइकोन के बीच में बनता है। जो अग्लाइकोन मॉइटी है बेटा, यानी जो नॉन शुगर वाला मॉइटी है, मैं आपको बताया था कि वो क्या होते हैं, उनके पास थेरापूटिक एफिकेसी होती है, यानी जिस पर्पज के लिए हम इस मेडिसिन को यूज करते हैं, इस केमिकल्स को यूज करते हैं, जिस भी डिजीज और डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, वो जो एफिकेसी है बेटा वो किसके पास होती है, ए ग्लाइकोन मॉइटी यानी नॉन शुगर मॉइटी के पास। ये भी पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन वाले सारे पॉइंट डिस्कस हो गए, लेकिन तब भी मैं इन ब्रीफ में आपको इन सारी चीजों को क्या करवा रहा हूं, यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। देयर आर फोर टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड, सी ओ एस एन आपने पढ़ा होगा, सी ग्लाइकोसिडिक, ओ एस एंड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड, ये भी अपन डिस्कस कर चुके। तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हमारा क्या है, डिस्कस हो चुका है, ठीक है। चलिए, दीज ऑल टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। कौन सा हाइड्रोलिसिस के थ्रू, एसिडिक हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं। चलिए, प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा, तो ग्लाइकोसाइड आर सॉल्वल इन वाटर एंड इनसॉल्वल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑब्वियसली वाटर में सॉल्वल है क्योंकि इसमें शुगर मॉइटी प्रेजेंट है, और शुगर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वाटर में क्या होता है, सॉल्वल नेचर का होता है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो ग्लाइकोसाइड आर एसिडिक इन नेचर। कैसा है, एसिडिक नेचर का है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लाइकोसाइड कैसा नेचर का है बेटा, एसिडिक नेचर का। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ऑल ग्लाइकोसाइड आर एसिडिक इन नेचर, केमिकल प्रॉपर्टी है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में हम स्टोमेटा, कैल्शियम ऑक्सलेट और ट्राइकोम्स देखते हैं, जो आने वाली क्लास में आपको टेबल याद करवाऊंगा, चार्ट याद करवाऊंगा, स्टोमेटा का एक चार्ट दूंगा जिसमें पूरी फार्माकोग्नोसी कंप्लीट हो जाएगी, ट्राइकोम्स का वैसे ही चार्ट याद करवाऊंगा जिसमें पूरी फार्माकोग्नोसी कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ही कैल्शियम ऑक्सलेट का भी याद करवाऊंगा। तो वहां पर हम एक साथ
एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल्स, टर्पिनोइड्स, रेजिन्स, टैनिंस, जो भी सिलेबस में आपके फार्माकोग्नोसी में है वो सारे टॉपिक्स आपके क्या हो जाएंगे, एक ही साथ में स्टोमेटा, ट्राइकोम्स और कैल्शियम ऑक्सलेट का मैं टेबल बना करके आपको याद करवाऊंगा आने वाली क्लास में। तो वो यहां पर मैंने लिख दिया है कि उस चार्ट को आपको देखना है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में हैविंग डिफरेंट इन ऑल ग्लाइकोसाइड, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी अलग अलग ग्लाइकोसाइड में अलग अलग पाई जाती है, इसलिए यहां पर ये पॉइंट है। एक हमारे पास है जी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को अगर हमें फाइंड आउट करनी है, उसको अगर हमें यह करना है बेटा, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अगर हम फार्माकोग्नोसी के किसी भी कंपोनेंट्स को, यानी चाहे वो ग्लाइकोसाइड हो, अल्कलॉइड्स हो, किसी भी कंपोनेंट्स को अगर उनकी क्वांटिटेटिव वैल्यू हमें पता करनी है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी हमें पता करना है, तो कौन सा मेथड को हम यूज करते हैं, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। बस सिंपल सा आपको याद रखना है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीपेट के, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। तो ये क्या करता है भाई, तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, उसको आपको फाइंड आउट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये मेथड क्या होता है, यूज होते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी का जी। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शंस, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, कैसे किसी प्लांट से उसको आइसोलेट करते हैं, क्योंकि देखो ग्लाइकोसाइड कहां पे प्रेजेंट है, किसी ना किसी प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो उस प्लांट से उसको बाहर कैसे निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए मेथड है बेटा स्टास ऑटो मेथड। कौन सा मेथड है, स्टास ऑटो मेथड। और यहां पर याद रखेंगे स्टास ऑटो मेथड में कौन सा गैस यूज होता है, तो गैस यूज होता है बेटा H2S गैस। कौन सा गैस यूज होता है, H2S गैस। इसको कैसे याद करते हैं, तो देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोसाइड, ये ग्लाइकोसाइड का एक्सट्रैक्ट करने का मेथड, आइसोलेशन का मेथड कौन सा, स्टास ऑटो मेथड। तो कैसे याद करेंगे, ग्लाइकोसाइड से निकालते हैं ग्लैक्सी, क्या निकालते हैं ग्लैक्सी। ग्लैक्सी में क्या हुआ बेटा, तो ग्लैक्सी में वॉर होना स्टार्ट हुआ, युद्ध होना स्टार्ट हुआ, तो ग्लैक्सी में वॉर हुआ तो सभी स्टार लोग गए, कौन गए, स्टार लोग गए, और क्या चीज से गए, ऑटो से, और कैसा ऑटो था, तो गैस वाला ऑटो था, सीएनजी वाली। तो देखो कैसे याद करेंगे, ग्लैक्सी से ग्लाइकोसाइड, कौन गया स्टार, स्टार से हो जाएगा स्टास, ऑटो से हो जाएगा ऑटो, और कौन सा गैस यूज, क्या यूज हुआ था, तो गैस H2S गैस। तो आपका सारा क्वेश्चन जो है बेटा वो सॉल्व हो जाएगा। यहां पर इसका एक्सट्रैक्ट हॉट परकोलेशन टेक्निक एक आपने पढ़ा होगा सुटिक्स के लाइब्रेरी, अपना लैब के अंदर में आपने डिस्कस किया होगा। तो हॉट परकोलेशन जो सॉक्सलेट ऑपरेटर्स होते हैं, याद रखना सॉक्सलेट ऑपरेटर्स यूज होता है हॉट परकोलेशन टेक्निक के लिए, वो टेक्निक यहां पर यूज होता है ग्लाइकोसाइड को आइसोलेट करने के लिए, यानी ग्लाइकोसाइड का एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है हॉट परकोलेशन सॉक्सलेट ऑपरेटर्स, याद क्या करना है, कौन सा गैस यूज करेंगे H2S, कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो स्टार्स ऑटो मेथड। कैसे याद करेंगे, तो गैलेक्सी में वॉर हुआ, स्टार लोग गए ऑटो पर, गैस वाली ऑटो पर, तो स्टार और ऑटो से हो जाएगा स्टार्स ऑटो मेथड, और गैलेक्सी से हो जाएगा ग्लाइकोसाइड। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। तो ये छोटे छोटे निमोनिक्स हमें क्या करना है, कवर करना है। ये ग्लाइकोसाइड का एक्सट्रैक्शन है जी, अल्कलॉइड का एक्सट्रैक्शन का मेथड हम अलग पढ़ेंगे, ये केवल ग्लाइकोसाइड का। तो वहां पर क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोसाइड को किस मेथड से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं, तो आई होप आपको वहां पर ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर के बेस पे अपन देख चुके थे, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोन के बेस पर देख चुके थे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स हम लोग 11 टाइप का देखे थे, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया था। तो ये सारा पॉइंट हम लोग क्या कर लेते थे, कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग लास्ट आते हैं जी, दैट इज ग्लाइकोसाइड रिलेटेड पॉइंट, यानी इनसे रिलेटेड पॉइंट को अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ग्लाइकोसाइड रिलेटेड पॉइंट। अच्छा यहां पर चीजें लिखी है तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा, टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि देखो यहां पर कॉन्सेप्ट है नहीं, जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बोर्ड पर बताता ही हूँ, बोर्ड पर मैं आपको समझाता हूँ, तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए मैंने यहां पर लिख लिखाई चीजें आपके सामने लेकर के आ गया, तो आपको वहां पर इतना परेशान होने की जरूरत यहां पर नहीं है, है ना। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज ग्लाइकोसाइड रिलेटेड पॉइंट। तो फर्स्ट ग्लाइकोसाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर हमारा कौन सा था बेटा, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। कौन सा था, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। तो एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड क्या है, तो एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड हैविंग मोस्टली टू मॉलिक्यूल्स, वन इज एंथ्राक्विनोन एंड सेकंड वन इज एंथ्रानोन। तो देखो इसके पास टू मॉलिक्यूल्स है, एंथ्रासिन के पास एक एंथ्राक्विनोन्स है और एक एंथ्रानोन्स है। एंथ्राक्विनोन्स लेस एक्टिव है बेटा और एंथ्रानोन मोर एक्टिव है, तो कितने कंपोनेंट्स हैं, टू, एंथ्राक्विनोन एंड एंथ्रानोन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये केमिकल्स रिलेटेड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंथ्राक्विनोन्स शो बॉर्न टैगर्स टेस्ट,
अच्छा मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लास में, मैंने बताया ना कि अभी हम लोग केमिकल टेस्ट अभी डिस्कस नहीं किए हैं, केमिकल टेस्ट मैं आपको बताऊंगा, उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि बॉन टाइगर टेस्ट क्या है, मॉडिफाइड बॉन टाइगर टेस्ट क्या है, ये सारी चीजें क्या होते हैं, मैं आने वाली क्लास में आपको क्या करूंगा डिस्कस करके बताऊंगा। तो एंथ्राक्विनोन्स क्या शो करता है बेटा, बोन टाइगर टेस्ट, बहुत अच्छे से याद रखना है, यानी जो एंथ्राक्विनोन्स है ये कौन सा टेस्ट को शो करता है, बोर्न टाइगर्स टेस्ट, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस आएंगे जीपेट एग्जामिनेशंस में। एंड एंथ्रानोल सो मॉडिफाइड बोर्न टाइगर्स, देखो दोनों में देखो क्या डिफरेंट था, एंथ्रासीन जो हमारा ग्लाइकोसाइड है इसके पास दो कंपोनेंट्स है, एंथ्राक्विनोन और एंथ्रानोल, एंथ्राक्विनोन लेस एक्टिव है, एंथ्रानोल मोर एक्टिव है, एंथ्राक्विनोन बोन टाइगर टेस्ट से हम उसको क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कि ये एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड है या नहीं है, उसके लिए हम उसका एक टेस्ट, जैसे देखो आपको अगर मैं आपको पाउडर दे दूं व्हाइट कलर का और आपसे पूछूं कि बताओ ये कौन सा केमिकल है, तो उस पर आप एक टेस्ट अप्लाई करोगे और टेस्ट के बेस पर आप बताओगे कि हाँ सर आपने ये जो बताए हैं, ये जो आपने पाउडर समय दिए हैं, ये पाउडर जो है वो ग्लाइकोसाइड में से ये ग्लाइकोसाइड है, तो वो टेस्ट जो है कि एंथ्रानोइल मॉइटी है या एंथ्राक्विनोन मॉइटी है, उसके लिए दो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, एक का नाम है बोन टाइगर टेस्ट, एक है मॉडिफाइड बोन टाइगर टेस्ट। ये टेस्ट होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जब मैं पढ़ाऊंगा उससे मैं इन चीजों को क्या करूंगा आपको क्लियरली वहां पर बताऊंगा। तो यहां पर क्या है, एंथ्राक्विनोन सो बोन टाइगर टेस्ट एंड एंथ्रानोल सो मॉडिफाइड बोन टाइगर टेस्ट, क्या शो करता है, मॉडिफाइड बोन टाइगर टेस्ट, बहुत बड़ा डिफरेंट है और यूनिक पॉइंट है, यहां से क्वेश्चंस आपको जीपेट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। अब आते हैं कि एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड में क्या क्या था, तो रुक्साना करके था, रुबॉर्ब कैस्केडा सेना था, इसके अलावा क्या था, एलॉय था, इसके अलावा कोचनियल था और हाइप्रिकम था, और यही हमारा क्या था भाई, इनके अंदर में ग्लाइकोसाइड वाले प्लांट थे। तो एक एक प्लांट को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, रूबॉर्ब। रूबॉर्ब क्या बेटा था, सिनोनिम्स रिवांचनी, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में पार्ट थर्ड में, मैंने आपको बताया था कि जो रुक्साना थी वो कहां की थी, रीवा की थी, तो रीवा से हो जाएगा रिवांचनी। फैमिली क्या है, पॉलीजिनेसी, बहुत बातें करनी है तो अपनी रूल से करो, ये भी मैंने ट्रिक के साथ याद करवा दिया था, आप पार्ट थर्ड पार्ट टू पार्ट वन जरूर ग्लाइकोसाइड देखे बेटा, उसके बाद ही आप पार्ट फोर देखे, है ना, क्योंकि वहां पर बहुत सारे निमोनिक्स मैंने दिया था, ट्रिक दिया था, और उस ट्रिक को आप याद करोगे तब जाकर के ये वाली रूबॉर्ब आपको समझ में आएगी, है ना। तो ये फैमिली याद हो गया, बायोलॉजिकल सोर्स हमने रियम पालमेटम, क्या अपने याद किए थे, रूपल करके, तो रियम पालमेटम यहां पर हो जाएगा रूपल से, तो ये सारी चीजें अपन याद कर चुके थे। हमें आज वाली क्लास में क्या प्राइम फोकस करना है, वो है इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ये वाली चीजें हमें क्या करनी है, नई पढ़नी है। हम लोग सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल आइडेंटिफिकेशन जो टेस्ट है बेटा, वो हमें अभी आज वाली क्लास में डिस्कस ही नहीं करना, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो लास्ट पार्ट हमारा आएगा ग्लाइकोसाइड का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज वाली क्लास में हम क्या फोकस करेंगे, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, और केमिकल कंस्टिट्यूएंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, यही वो कंपोनेंट है जी, यही वो मैटर है, सबस्टांस है जो जिसके पास थेरापेटिक एफिकेसी है, यानी अगर मान कर चलिए हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड के रूप में, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के रूप में हम डिजिटेलिस को यूज करते हैं, तो डिजिटेलिस के अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन्स, जिसका यूज होता है थेरापेटिक एफिकेसी के लिए, यानी कि किसी डिजीज को क्योर करने के लिए। तो जो क्योर करने वाला जो सबस्टांस प्रेजेंट होता है बेटा, वो सबस्टांस कहां पे प्रेजेंट होता है, इसी केमिकल कंस्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि रूबॉर्ब के अंदर कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो उसका यूज क्या है, उसका रोल क्या है, किस डिजीज में हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो फार्माकोग्नोसी में आपको सिंपली मालूम है कि यहां पर हम ड्रग को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्लांट, प्लांट्स उसको ऑब्टेन करते हैं और उसको हम एज अ मेडिसिन क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो आयुर्वेदा क्या था, डायरेक्ट प्लांट से हमने मेडिसिन को लिया और हम लोग क्या करते थे, डिजीज डिसऑर्डर को क्योर करते थे, ट्रीट करते थे। नाउवेज उसी मेडिसिन का फॉर्मुलेशन डेवलप किया जाता है, उसमें कुछ अदर्स मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाता है और उसके बाद हम क्या बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। तो मिला जुला करके प्लांट का रोल जो है हमारे केस में बहुत ज्यादा है, प्लांट जो है हमारी ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज और डिसऑर्डर के क्योर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उन्हीं प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर रूबॉर्ब कोई प्लांट है तो उस प्लांट के अंदर कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है, जिसको हम बीइंग अ फार्मासिस्ट उसको हम आइसोलेट करते हैं और उससे मेडिसिन बनाते हैं, और एक डिजीज और डिसऑर्डर किसी पेशेंट को अगर हुई है तो उस पार्टिकुलर डिजीज और डिसऑर्डर में उसको यूज करते हैं। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीपेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट और उसके यूज से पूछा जाता है, अगर फार्माकोग्नोसिस का क्वेश्चन
क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बेटा आपके जीपेट एग्जामिनेशंस में केमिकल कंस्टिट्यूएंट और उनके यूज से पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ ग्लाइकोसाइड है, नंबर ऑफ अल्कलॉइड्स है, नंबर ऑफ वोलाटाइल्स ऑयल है, नंबर ऑफ रेजिन्स है, टैनिन्स है, टर्पिनोइड्स है, इन सबके हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उन सबके हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट हमें क्या करने होते हैं, याद करने होते हैं। और बहुत सिंपल, आप दो चार बार अगर आप इसको पढ़ोगे ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है बेटा, मैं आपको एक और आपको एक ट्रिक बता देता हूं, निमोनिक्स बता देता हूं कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट हमें कैसे याद करना होता है। अगर आपको बायोलॉजिकल सोर्स याद है तो आपको इजीली केमिकल कंस्टिट्यूएंट आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि बायोलॉजिकल सोर्स के नाम से ही केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है वो मिलता जुलता रहता है। और बायोलॉजिकल सोर्स हम बायो ट्री की याद किए हैं, हमने पूरी ग्लाइकोसाइड की क्लासिफिकेशंस का बायोलॉजिकल सोर्स में आपको क्या करवाया हूं, याद करवाया हूं ट्रिक से। अगर वो ट्रिक अगर आपने फॉलो कर लिया, वो ट्रिक अगर आपने याद कर लिए, तो लगभग ऑलमोस्ट ऑल केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है आपको याद हो जाएगा, या एक दो बार आप देखोगे या सामने जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन उस क्वेश्चंस को क्या करेगा, उस आंसर को सिलेक्ट कर लेगा। तो अब हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है। आज का जो मोटिव था इस क्लास को लेने का वो था केमिकल कंस्टिट्यूएंट। अब हम लोग केमिकल कंस्टिट्यूएंट वाले पॉइंट पर क्या होता है बेटा आ जाते हैं। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट में क्या है बेटा, रूबॉर्ब कंटेन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, रेंज इज अबाउट 2 to 4.6%। हम ऑलरेडी यहां पर एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में देखें कि एंथ्राक्विनोन और एंथ्रानोल दो हमारे पास क्या है भाई, कंपोनेंट्स हैं। तो रूबॉर्ब में 2 to 4.6% क्या प्रेजेंट होता है, एंथ्राक्विनोन, जो बोन ट्रैगर टेस्ट देता है लेकिन लेस एक्टिव होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट ए में, क्या है, एंथ्राक्विनोन विथ कार्बोक्जिलिक ग्रुप, क्या प्रेजेंट है, एंथ्राक्विनोन। तो एंथ्राक्विनोन कार्बोक्जिलिक ग्रुप के साथ है, विदाउट कार्बोक्जिलिक ग्रुप के साथ है। तो मतलब कुछ ऐसे एंथ्राक्विनोन ग्रुप हैं जो कार्बोक्जिलिक ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं और कुछ कार्बोक्जिलिक ग्रुप के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो उसके बेस पर हम लोग डिफरेंट देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एंथ्राक्विनोन विथ कार्बोक्जिलिक ग्रुप इज रीन एंड ग्लूकोरीन, रीन एंड ग्लूकोरीन। देखिए यहां पर आप रियम पालमेटम बायोलॉजिकल सोर्स, देखिए रियम पालमेटम, तो रियम से यहां पर रीन एंड ग्लूकोरीन लिया गया। तो अगर आपको बायोलॉजिकल सोर्स याद है तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि रीन और ग्लूकोरीन ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है वो किसका है भाई, तो ये रूबॉर्ब का है, क्योंकि रूबॉर्ब का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, रियम पालमेटम। तो मैंने आपको बताया ना कि जो हमें अगर हम थोड़ा सा माइंड यूज करें तो हमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट याद करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो हमें याद करने होंगे, लेकिन लगभग पॉइंट जो है इसके बायोलॉजिकल सोर्स से मिलता है जो हम इजीली क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो यहां पर क्या है बेटा, अगर कार्बोक्जिलिक ग्रुप के साथ एंथ्राक्विनोन मॉइटी है तो वहां पर क्या है, रीन एंड ग्लूकोरीन है। लेकिन अगर एंथ्राक्विनोन विदाउट कार्बोक्जिलिक ग्रुप है बेटा, तब वहां पर देखो केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाता है, एलॉय ओमिडीन, एमोडीन, क्राइसोफेनॉल और फिजियोन। तो याद रखना है कि एंथ्राक्विनोन विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, एग्जाम्पल तो रीन और ग्लूकोरीन, एक्सेप्ट दैन रीन एंड ग्लूकोरीन जितने भी हैं, चाहे वो आप एलॉय एमोडीन ले लो, एमोडीन ले लो, क्राइसोफिनॉल ले लो, फिजियोन ले लो, ये सभी के सभी क्या है, तो एंथ्राक्विनोन विदाउट कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले। तो ये इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो गए जी, रीन, ग्लूकोरीन, एलॉयमिडीन, एमोडीन, क्राइसोफिनॉल और फिजियोन। और इसके बदले हम इसके बाद भी हमने एक और पॉइंट याद कर लिया कि किसमें कार्बोक्जिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और किसमें कार्बोक्जिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। थर्ड है एंथ्रोन एंड डाइएंथ्रोन, कुछ ऐसे हैं, पहले तो हमने एंथ्राक्विनोन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड देख लिए, एंथ्राक्विनोन विदाउट कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख लिए, अब हम लोग देखते हैं एंथ्रोन एंड डाई एंथ्रोन कॉम्बिनेशन में होता है और वहां पर क्या बनता है, क्राइसोफेनॉल, इमोडीन और फिजियोन। तो यहां पर भी देखिए क्राइसोफेनॉल, इमोडीन और फिजिनोल जो है बेटा, यहां पर क्या है, फिजियोन, ये क्या है हमारा विदाउट कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले में है। और आपको यहां पर भी आपको मिल जाएगा एंथ्रोन एंड डाई एंथ्रोन में क्या है, क्राइसोफेनॉल, इमोडीन एंड फिजियोन है। तो आपको ये याद रखना है कि क्राइसोफिनॉल, इमोडीन और फिजियोन जो है, ये आपको याद रखना है कि ये आपका क्या है भाई, तो ये आपको एंथ्रोन और डाई एंथ्रोन में भी है ना, और ये आपको एंथ्राक्विनोन विदाउट कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी है ना, ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है जी हेट्रोडाइएंथ्रोन्स, नेक्स्ट हमारा क्या है, हेट्रोडाइएंथ्रोन। हेट्रोडाइएंथ्रोन में क्या क्या आ जाता है, पाल्मिडीन ए, पाल्मिडीन बी, पाल्मिडीन सी।
ये पाल्मिडिन 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 क्या है, तो पाल्मिडिन रियम पाल्मेटम से लिया गया है पाल्मिडिन। तो पाल्मिडिन ए, पाल्मिडिन बी, पाल्मिडिन सी। तो देखो एक रुबॉर्ब के अंदर कितने केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, क्या क्या है भाई, तो रीन है, ग्लूकोरीन है, इमोडीन है, एलाइमिडीन है, क्राइसोफिनॉल है, फिजियोन है, पाल्मिडिन ए है, पाल्मिडिन बी है, पाल्मिडिन सी है। इतने सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट केवल और केवल किसमें प्रेजेंट है, रुबॉर्ब के अंदर प्रेजेंट है ना। अच्छा ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है कि यार सर इतने सारे नाम कैसे याद होंगे, बिलीव मानो एक दो बार जब आप इसको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ही आपके जुबान पे हो जाएंगे और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नोट में करके आते हैं कि पाल्मिडिन ए कैसे बनता है, पाल्मिडिन बी कैसे बनता है, पाल्मिडिन सी कैसे बनता है, क्योंकि डायरेक्ट आपको नीट में क्वेश्चन सॉरी आपके जीपेट में क्वेश्चन आ जाएंगे कि पाल्मिडिन मेड फ्रॉम, तो यहां पर डायरेक्ट आपका आंसर है। देखो पाल्मिडिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, वहां पर आपको क्वेश्चन आएगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलॉय एमोडीन एंथ्रोन एंड इमोडीन एंथ्रोन। एलॉय एमोडीन एंथ्रोन और इमोडीन एंथ्रोन ये दोनों मिल करके क्या बनाता है बेटा, पाल्मिडिन ए का फॉर्मेशन करता है। पाल्मिडिन बी कौन बनाता है, तो बी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलॉय एमोडीन एंथ्रोन एंड क्राइसोफेनॉल एंथ्रोन। एलॉय एमोडीन और इमोडीन ये दोनों मिलकर के पाल्मिडिन ए बनाते हैं, एलॉय एमोडीन एंड क्राइसोफिनॉल ये दोनों मिलकर के पाल्मिडिन बी बनाते हैं, एंड इमोडीन एंथ्रोन एंड क्राइसोफिनॉल ये दोनों मिलकर के पाल्मिडिन सी बनाते हैं। चलिए तो यहां पर मैंने ट्रिक का जगह दिया, एक्चुअली क्या है ये कि सीट्स हमारे हैं क्लासेस के, तो बच्चे यहां पर ट्रिक लिखते हैं, है ना, ट्रिक का हमने ऑलरेडी यहां पर जगह दिया जो आप लोग अपने नोट्स में लिखोगे। तो यहां पर क्या है बेटा, पाल्मिडिन ए इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, पाल्मिडिन बी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड पाल्मिडिन सी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जीपेट एग्जामिनेशन में, नाइपर एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा ये रुबॉर्ब जो था बेटा वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने उसके सिनोनिम्स, उसके बायोलॉजिकल सोर्स, उनके फैमिली, उनके क्लासिफिकेशन, इसके अलावा हमने उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या कर लिए, याद कर लिए। आप एक छोटा सा काम करेंगे कि इनके केमिकल्स स्ट्रक्चर्स भी आप याद करेंगे, है ना, या तो किसी क्लास में मैं आपको केमिकल, या तो अगले क्लास में केमिकल स्ट्रक्चर भी बता दूंगा, है ना। तो केमिकल स्ट्रक्चर्स भी नहीं होगा तो अगर आपके पास कोकाटे की बुक होगी, सीके कोकाटे जो फार्माकोगनोसिस की बुक आती है, या तो नहीं भी है तो मैं आपको इनका स्ट्रक्चर दे दूंगा। इनके स्ट्रक्चर से भी समटाइम्स क्वेश्चंस आ जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि एंथ्राक्विनोन मॉइटी क्या है, एंथ्रानोल मॉइटी क्या है। तो ये सिंपल सिंपल कुछ प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, है ना, डोंट वरी, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही स्ट्रक्चर आपको समझा दूंगा। हो सकता है आप स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए तो मैं आपको बता दूंगा इसका स्ट्रक्चर। आज वाली क्लास में हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है बेटा वो हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। फार्माकोगनोसी की स्पीड थोड़ी सी ऐसी ही रखनी है हमें, फार्माकोगनोसी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा इंट्रोडक्शन वाली ही क्लास में खत्म हो जाती है। तो फार्माकोगनोसी हमें आपको याद रखना है कि हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा करके रखनी है, अदरवाइज हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। बहुत ज्यादा सिलेबस है और हमें अगर जीपेड करना है तो हमें इन सब चीजों पर क्या करना होगा, फोकस तो करना ही होगा, जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करना होगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं जी। नेक्स्ट है अपना कैस्केरा, सेकंड हमारा ग्लाइकोसाइड एंथ्रासिन मॉइटी में क्या है, कैस्केरा है। कैस्केरा का फैमिली आपको मालूम है, रैमेनेसी कास में तेरे राह पर होता है, याद किए थे अपन। बायोलॉजिकल सोर्स है रैमेनास पर्सियाना, राह पर होता है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो आपको ऑटोमेटिक याद होगा। अब हम लोग आते हैं जिस चीज के लिए आज क्लास में आए हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट। बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली हम लोग ऑलरेडी याद कर चुके हैं, इसका सिनोनिम्स नहीं है, तो बाकी अब हम लोग आते हैं आज वाली क्लास में, दैट इज केमिकल कंस्टिट्यूएंट पे। केमिकल कंस्टिट्यूएंट में बेटा ड्यू टू एंथ्रानोल डेरिवेटिव, देखो एंथ्रासिन में एंथ्राक्विनोन और एंथ्रानोल ये दोनों रहना ही है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में अभी प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया था कि एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में एंथ्राक्विनोन और एंथ्रानोल दो मॉइटी तो रहना ही रहना है। ये एग्जांपल, ये रुबॉर्ब है, कैस्केरा, ये सब किसके एग्जांपल है, ये एग्जांपल है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड के। तो एंथ्राक्विनोन एंथ्रानोल वर्ड आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, यहां पर यही रहेगा, मिला जुला टर्म्स रहेगा। यही तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर हमें माइंड बस ये लगाना है कि एंथ्रासिन का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट क्या है, और वही एक्टिव कंस्टिट्यूएंट से रिलेटेड यहां पर हमें क्या मिलेंगे, फिर इनके बायोलॉजिकल सोर्स से मिलता जुलता टर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कैस्केरा में क्या है भाई, तो क्या है, ड्यू टू एंथ्रानोल डेरिवेटिव प्रेजेंट इन कैस्केरा गिव ग्रिपिंग एंड एमेटिक इफेक्ट, एमेटिक इफेक्ट शो करता है, यानी कैस्केरा जो है वो वोमिटिंग कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस पॉइंट को तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है भाई, एमेटिक इफेक्ट शो करता है, क्या करता है, एमेटिक इफेक्ट
यहाँ पर आपको याद रखना है कि कैस्केरा कौन सा इफेक्ट शो करता है भाई, एमिटिक इफेक्ट। एंड व्हेन एंथ्राक्विनोन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एंथ्राक्विनोन्स, देखो इसके पास एंथ्रानोइल मॉइटी है और ये एंथ्रानोइल मॉइटी ग्रिपिंग और एमिटिक इफेक्ट शो करने के लिए यानी वोमिटिंग कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो यही एंथ्रानोल एंथ्राक्विनोन्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। यही क्या हो जाते हैं, एंथ्राक्विनोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में बहुत अच्छे से इन चीजों को बताऊंगा, स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में क्लियर करूंगा कि कैसे ऑक्सीडाइज होता है। जो तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, एंथ्राक्विनोन। तो एंथ्राक्विनोन और एंथ्रानोल ऑलरेडी हम इन दोनों टर्म से क्लियर है, अंडरस्टूड है पहले से ही। अब आते हैं मॉइटी पे, तो एंथ्राक्विनोन कंटेन ओ ग्लाइकोसाइड सी ग्लाइकोसाइड। क्या है भाई, एंथ्राक्विनोन जो है ओ ग्लाइकोसाइड और सी ग्लाइकोसाइड यहां पर है। ओ ग्लाइकोसाइड में क्या प्रेजेंट है, तो कैस्केरोसाइड ए एंड कैस्केरोसाइड बी, और सी ग्लाइकोसाइड में है कैस्केरोसाइड सी एंड कैस्केरोसाइड डी। तो कैस्केरा का चार केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, कैस्केरोसाइड ए, कैस्केरोसाइड बी, कैस्केरोसाइड सी, कैस्केरोसाइड डी। कैस्केरोसाइड ए और कैस्केरोसाइड बी ओ ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है, और कैस्केरोसाइड सी और कैस्केरोसाइड डी जो है वो आपको सी ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है। ओ ग्लाइकोसाइड सी ग्लाइकोसाइड आपने पढ़ा होगा पहले ही, हमने प्रीवियस समय क्लासेस में आपको बताया था। तो ये हो गया कैस्केरा का कंप्लीट केमिकल कंस्टिट्यूएंट। बाकी एंथ्रानोल मॉइटी है जो जिसके पास अफेक्ट क्या है, तो एमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसके अलावा ग्रिपिंग अफेक्ट शो करता है, और जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर एडल्ट्रेंट है जी, क्या है एडल्ट्रेंट, तो यहां पर अलाइड आपको यूज देखना है, अलाइड ड्रग और एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट का मतलब है कि हमने वहां पर इस ड्रग के बदले किसी चीज को मिला करके दे दिया। क्या चीज का मिला करके दे दिया, किसी चीज को, जैसे आपने काली मिर्च देखा होगा, काली मिर्च के जैसे ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है पपायाज के सीड का। तो बहुत सारे ऐसे भी शॉपकीपर होते हैं जो कि पपायाज के सीड को काली मिर्च के साथ दे देते हैं, आया समझ में, तो वो उसका क्या हो गया, एडल्ट्रेट हो गया। एडल्ट्रेट का मतलब होता है कि ओरिजिनल नहीं है, उसके जैसा मिलता जुलता है और उसको हमने उस वहां पर मिक्स कर दिया, वो एडल्ट्रेट कहलाता है। और एक होता है अलाइड ड्रग, अलाइड मतलब उसके जैसा सिमिलर प्रॉपर्टी करने वाला लेकिन वो नहीं है। तो अलाइड और एडल्ट्रेट ये कुछ टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स अपन और आगे भी देखेंगे, लेकिन सिंपल सा मीनिंग अभी मैं आपको बता दिया। तो यहां पर क्या है, इसका एडल्ट्रेट है फ्रेंगुला बार्क और फेलेक्स एंड और कैलिफोर्निया, तीन इसके एडल्ट्रेट है जी, किसका, कैस्केरा का। देखो जिसका एडल्ट्रेट अलाइड होगा मैं आपको बताते जाऊंगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं बताऊंगा। तो यहां पर एडल्ट्रेट है फ्रेंगुला बार्क और फेलेक्स एंड और कैलिफोर्निया, किसका, कैस्केरा का। इसको कैसे याद करेंगे, तो यहां पर ट्रिक है जी, कैसे याद करेंगे, तो कास में तेरे राह पर होता, यही पर अपन याद किए थे, क्या, कास में तेरे राह पर होता, तो कास से कैस्केरा था, राह से रैमनास परसियाना था, राह पर होता तो फॉरेन फ्लाइट से कैलिफोर्निया चला जाता। क्या हो जाएगा, फॉरेन फ्लाइट से कैलिफोर्निया, फॉरेन से हो जाएगा फ्रेंगुला बार्क, फ्लाइट से हो जाएगा फेलेक्स एंड कैलिफोर्निया से हो जाएगा कैलिफोर्निया, याद हो गया। तो मैंने आपको बताया ना कि छोटे छोटे निमोनिक्स, तो इसका एडल्ट्रेट क्या है, तो फॉरेन फ्लाइट से कैलिफोर्निया, फ्रेंगुला बार्क, फेरेक्स एंड कैलिफोर्निया, और सब में आर आर लगा देना है, आर मतलब यहां पर क्या हो जाएगा अपना रैमनास, तो रैमनास फेलेक्स, रैमनास कैलिफोर्निया और फ्रेंगुला बार्क, याद हो जाएगा। तो ये आपका कैस्केरा भी क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। एडल्ट्रेट का ट्रिक आप अच्छे से लिखेंगे अपनी नोटबुक में, मैं बार बार कहता हूं आप अपने नोटबुक में निमोनिक्स बहुत अच्छे से याद करेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे, ताकि जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देने जाए तो एक घंटे के अंदर पूरी ग्लाइकोसाइड का आपका रिविजन हो जाए, आपका एक दिन में पूरी फार्माकोग्नोसी एक रात अगर आप बैठो तो आपको कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमें निमोनिक्स ही तो केवल वहां पर क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। और निमोनिक्स को हमेशा याद करने की कोशिश करो, हमेशा देखने की कोशिश करो कि निमोनिक्स में क्या है। चलिए नेक्स्ट आते हैं जी, इंडियन सेना। इंडियन सेना में देखो सिनोनिम्स तो है नहीं, बायोलॉजिकल फैमिली आपको मालूम है, सेना में भर्ती हो जाओ लेग मजबूत करना है, लेगुमिनेसी फैमिली बायोलॉजिकल सोर्स है, केसिया एंगस्टिफोलिया मैं आपको बता रखा हूं। अब इसके केमिकल कंस्टिट्यूशन जिस चीज के लिए हम आज वाली क्लास में आए हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो केमिकल कंस्टिट्यूशन इसका क्या है बेटा, तो सिनोसाइड प्रेजेंट नॉट लेस देन 2.5%। तो यहां पर एक केमिकल कंस्टिट्यूशन प्रेजेंट है बेटा जिसका नाम है सिनोसाइड। क्या नाम है भाई, सिनोसाइड। तो सिनोसाइड कितना प्रेजेंट है भाई, तो सिनोसाइड प्रेजेंट है नॉट लेस देन 2.5%, 2.5% से कम नहीं है। एंड दीज ऑल आर स्टीरियो आइसोमर ऑफ ईच अदर, जितने भी सिनोसाइड
होंगे सब एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर होंगे। केमिस्ट्री का टर्म है, आपको मालूम होगा कि आइसोमर का मतलब क्या होता है, सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर। तो स्टीरियो आइसोमर होंगे। तो क्या क्या होंगे स्टीरियो आइसोमर, कौन कौन से? तो सेनोसाइड ए, सेनोसाइड बी, सेनोसाइड सी, सेनोसाइड डी। तो इंडियन सेना का केमिकल कंस्टिट्यूशन क्या है? सेनोसाइड ए, सेनोसाइड बी, सेनोसाइड सी, सेनोसाइड डी। अभी तक हमने क्या देखा? तो रूबार में क्या था भाई? तो पाल्मिडीन ए बी सी डी, कैस्केला में कैस्किलोसाइड ए बी सी डी, और यहां पर क्या आ गया? सेनोसाइड ए बी सी डी। आ गया समझ में? तो देखो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, हमें थोड़ी सी चीजें समझनी है, कुछ एक्स्ट्रा है। जैसे कि रूबार में रीम था, ग्लूकोरीन था, एलोइमिडीन था, इमोडीन था, फिजिशियन था, क्लाइसोफिनॉल था, कुछ टर्म्स वहां पर अलग थे केमिकल कंस्टिट्यूएंट में। तो ऐसे ही टर्म्स जैसे मैं आपको याद करके दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो वैसे ही आपको भी याद हो जाएगा, है ना। बस सिंपली इसको बार बार इसको क्या करते रहना, रिवाइज करते रहना। तो यहां पर सेनोसाइड ए बी सी डी क्या है भाई? इंडियन सेना का अपना क्या है? केमिकल कंस्टिट्यूएंट। अब इसका भी एडल्ट्रेंट है जी, एडल्ट्रेंट है। तो एडल्ट्रेंट देख लेते हैं कि एडल्ट्रेंट क्या है। तो एडल्ट्रेंट है सी ओबाबाटा और सी ऑरिकुलाटा, सी ओबाबाटा, सी ऑरिकुलाटा, ये दो इसके क्या हैं? तो इंडियन सेना के एडल्ट्रेंट है। जैसे अभी हमने एडल्ट्रेंट किसका देखे थे? कैस्केरा का। क्या था भाई? तो फ्रेंगुला बार्क था, और फैलेक्स था, और कैलिफोर्निया था। तो वैसे यहां पर भी क्या है भाई? सी ओबाबाटा जिसको डॉग सेना बोलते हैं, और सी ऑरिकुलाटा जिसको पेल्दी सेना बोलते हैं, है ना। ये इसका दो एडल्ट्रेंट है। कैसे याद करेंगे? तो देखो इंडियन सेना का आपको मालूम है कि इसका सिनोनिम्स क्या है, मुसाबर कुमार, सॉरी इंडियन सेना का अपना क्या है एडल्ट्रेंट, सी ओबाबाटा, सी ऑरिकुलाटा। तो कैसे याद करेंगे? तो इंडियन सेना से निकालेंगे सेना, सेना में एक डॉग था, ऑब्वियसली सेना वाले के पास डॉग भी होता है, तो डॉग को वो बहुत सारा पराठा खिलाते थे, तो डॉग से हो जाएगा डॉग सेना, और पराठा से हो जाएगा पेल्दी सेना। डॉग सेना का याद रखना है ओवा बेटा, तो डॉग को वो अपने बेटे की तरह मानते थे, बेटा की तरह मानते थे, तो बेटा से हो जाएगा ओबाबाटा, ओबाबाटा डॉग सेना, और पराठा से हो जाएगा ऑरिकुलाटा। पराठा कहां से बन करके आता था? कलकत्ता से। तो कलकत्ता से हो जाएगा ऑरिकुलाटा, और पराठा से हो जाएगा पेल्दी सेना। तो याद रखना है कि सेना में एक डॉग था जिसको लोग बेटे की तरह मानते थे, तो सी ओबाबाटा, और डॉग से हो जाएगा डॉग सेना, जिसके लिए कलकत्ता से पराठा आता था, तो सी ऑरिकुलाटा, और क्या हो जाएगा? पराठा से पेल्दी सेना। तो यहां पर आएंगे कि सी ऑरिकुलाटा को और क्या कहते हैं? तो पेल्दी सेना। ये सारे टर्म्स आएंगे, तो इन सारे टर्म्स को मैं आपके सामने ला करके रख दिया हूं, आपको केवल रिवाइज करना है। और जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसका मैं आपको ट्रिक भी देता हूं जी, उसका ट्रिक भी बताता हूं कि इसको याद कैसे करना, ये भी मैं आपको बताता हूं, है ना। तो आई होप आपको ये चीजें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर सेना। कहां पर आते हैं जी? अलेक्जेंडर सेना। तो अलेक्जेंडर सेना की फैमिली सेम रहेगी जी, लेगुमिनेसी ही फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स में क्या हो जाएगा? तो केसिया एक्यूटीफोलिया। मैंने आपको बताया भी था कि जो अलेक्जेंडर लोग होते हैं, जो फॉरेंस के लोग होते हैं, वो क्यूट होते हैं। और 2015 में यह क्वेश्चन आया भी है जीपेट एग्जामिनेशन में, अलेक्जेंडर सेना का बायोलॉजिकल सोर्स वो पूछे थे। तो क्या था? केसिया एक्यूटीफोलिया वहां पर था। तो क्वेश्चन बनते यही वो पूछते हैं, फैमिली, सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, क्लासिफिकेशन, उनके स्ट्रक्चर, उनके एक्सट्रैक्शन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी, यही सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। और ऑब्वियसली इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है? इसको याद करना। और याद करने के लिए भी गौतम सर आपको क्या दे रहे हैं? ट्रिक दे रहे हैं। तो यहां पर क्या है? केमिकल कंस्टिट्यूएंट, जिस चीज के लिए हम आए हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट यहां पर क्या है? तो सेनोसाइड यूज अबाउट 3 to 3.6%। यहां पर सेनोसाइड था नॉट लेस देन 2.5%। तो 2.5% इंडियन सेना में था, और यही अलेक्जेंडर सेना में कितना हो जाता है? 3 to 3.6%। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है अलेक्जेंडर सेना से। एक तो इसके बायोलॉजिकल सोर्स, और दूसरा जो सेनोसाइड प्रेजेंट है उसकी परसेंटेज जो है वो इंडियन सेना से ज्यादा होती है किसमें? अलेक्जेंडर सेना में 3 to 3.6% होती है, और इंडियन में क्या होता है? नॉट लेस देन 2.5%। ये आपको क्या करना है? याद रखना है, है ना। चलिए नेक्स्ट है सिनापोर। सिनापोर्ड का भी फैमिली सेम होगा, बायोलॉजिकल सोर्स के एक्यूटीफोलिया भी होगा, रिंगस्टीफोलिया भी होगा। केमिकल कंस्टिट्यूएंट वही है 2.5 to 4.5%। सेनोसाइड ए एंड बी प्रेजेंट अबाउट 2.5 to 4.5%। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सिनापोर्ट्स में सेनोसाइड ए और बी ही केवल प्रेजेंट है, सेनोसाइड सी और सेनोसाइड डी प्रेजेंट नहीं है। और इसका जो रेशियो है बेटा टोटल वो 2.5 to 4.5% है। तो इंडियन सेना में क्या है? नॉट लेस देन 2.5%
परसेंट। अलेक्जेंडर सिन्हा में क्या है भाई, तो यहाँ पर 3 to 3.6% है। और अगर हम सिनापोइड की बात करते हैं तो सिनापोइड में क्या है 2.5 to 4.5% सिनासाइट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये रेशियो आपको याद रखना है कि किसमें कितना परसेंट प्रेजेंट होता है। अगर परसेंट दिया है तो उसको याद रखना है, अगर परसेंट नहीं दिया तो नहीं याद रखना है। तो यहां पर मैं जो भी टर्म्स आपको दिया हूं इसको तो याद करना ही करना है, क्योंकि हमने केवल ये जो नोट्स मैंने बनाया है आपके लिए इसमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है, हमने वो पॉइंट को ही नहीं ऐड किया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो। यहां पर जितने भी टर्म्स आप देखोगे ये सारे के सारे हमारे लिए क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी अलॉय पे। अलॉय का देखिए आपको सिनोनिम्स मालूम है, मुसावर कुमारी हमने बताया था कि आलू का मुरब्बा कौन बनाई, कुमारी ने, फैमिली लिलियसी है, लिटिल बच्चों ने चोरी किया था, बायोलॉजिकल सोर्स आपको मालूम है, केप ओलाय, कुराको ओलाय, जंजीबार हमने करके याद किए थे, काकू सोजा करके हमने याद किया था क्या, एलॉय फेरोक्स, काकू सोजा, क्योंकि एफवी पर टाइम पास करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो अपन सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं मेन जो हमारा है वो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट। केमिकल कंस्टिट्यूएंट के आज हम लोग क्या हुआ, इकट्ठा हुए हैं। तो ये काकू किराकू ये सारे जो बायोलॉजिकल सोर्स हैं, फैमिली हैं, सिनोनिम्स हैं। अगर कोई आज पहली क्लास अटेंड कर रहा है तो उसको मैं बता दूं बेटा कि आप पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 हमारे ही चैनल पे अवेलेबल हैं। आप उस वीडियोज में जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियोज में जाकर के देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको नहीं भी लिंक मिलता तो आप मेरे से कमेंट में मांग सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर दूंगा, व्हाट्सअप करूंगा और व्हाट्सअप पर वो सारे लिंक मैं क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, है ना। लेकिन आपको समझ में तब आएगा जब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखोगे, क्योंकि वहां पर हमने निमोनिक्स दिए हैं, इजी ट्रिक दिए हैं, जिसके बेस पर आप इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आज स्पीड थोड़ी ज्यादा है क्योंकि अपना ये कंप्लीट करना है फार्माकोग्नोसी, तो आपको थोड़ी सी स्पीड तो बढ़ानी होगी, अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो फिर जीपेड करने का मतलब क्या है। मैंने आपको इतना मेहनत करके पसीने बहा करके फ्री में स्टूडियो आपको दे करके सारी चीजें दिया हूं, और अगर आप जीपेड क्रैक नहीं करोगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, मुझे बहुत दुख होगा। तो इसलिए आपको जीपेड तो क्रैक करना ही है, इसलिए अपन थोड़ा सा स्पीड को अब बढ़ा रहे हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट में क्या है बेटा, तो देखिए यहां पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट एलॉय का देख रहे हैं, तो क्या है भाई, एलॉय नाम से ही है क्या, एलॉयन है प्रिंसिपल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। इसके अलावा बारबालॉइन क्या क्या है भाई, तो एलॉयन है और बारबालॉइन दो यहां पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, एक है एलॉयन और एक है अपना बारबालॉइन, ठीक है। चीफ कंस्टिट्यूएंट है बारबालॉइन, इट इज द केमिकली एलॉय एमोडीन। एलॉय एमोडीन अभी हम लोगों ने कैस्केडा में देखा था, रुवार में देखा था। तो इट इज केमिकली एलॉय एमोडीन विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो एलॉय एमोडीन की हमें एक प्रॉपर्टी मिल गई कि वाटर में सॉल्युबल होता है, और एलॉय एमोडीन को ही हम क्या बोलते हैं, बारबालॉइन बोलते हैं। तो बारबालॉइन इज सी ग्लाइकोसाइड, कौन सा ग्लाइकोसाइड है, सी। तो हमने सी ग्लाइकोसाइड, सी ओ ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड के बेस पर हमने क्या किया था, ग्लाइकोसाइड को क्लासिफाइड किया था। तो ये जो एलॉय है, वैसे मैंने वहां पर एग्जांपल आपको बताया था कि एलॉय कैस्केडा जो है वो कहां पे आता है, सी ग्लाइकोसाइड में आता है, ऑल क्लियर करके मैंने आपको याद भी करवाया था, आप फर्स्ट वाली क्लास देखेंगे तो वहां पर आपको ध्यान आएगा। तो बारबालॉइन क्या है भाई, सी ग्लाइकोसाइड ऑलरेडी अपन बता चुके हैं, विच इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग विद डाइल्यूट एसिड और अल्कली। जो एसिड और अल्कली से डाइल्यूट होने के से डाइल्यूट नहीं होता है, हाइड्रोलाइज नहीं होता। द अमाउंट ऑफ बारबालॉइन प्रेजेंट इन कुराको अलॉय इज अबाउट 22%। कुराको ओलाय अलॉय में लगभग 22% बारबालॉइन प्रेजेंट होता है, एंड इन इंडियन वेराइटी ऑफ अलॉय इट इज अबाउट 3.5 to 4%। इंडियन जो अलॉय है बेटा, इंडियन अलॉय में आपको ये 3 to 4.5% देखने को मिल सकते हैं। तो अलॉइन, बारबालॉइन, इसके अलावा थर्ड केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, आइसोबारबालॉइन। आइसोबारबालॉइन भी प्रेजेंट होता है, बिट्टा बारबालॉइन, एलॉय ओमिडीन, रेजिन्स आल्सो प्रेजेंट। तो एलॉइन, बारबालॉइन, आइसोबारबालॉइन, बिट्टा बारबालॉइन, ये सारे क्या है, इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं किनके भाई, अलॉय के। तो इनके नाम से ही है, तो आपको आराम से ये चीजें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, रेजिन्स ऑफ एलॉय प्रिंसिपली कंटेन एलोइसिन। रेजिन्स में भी क्या प्रेजेंट है, एलोइसिन प्रेजेंट होता है। एडल्ट्रेंट है और इसका अलाइड भी है, इसमें अलाइड ड्रग भी यूज करते हैं और एडल्ट्रेंट भी इसका अवेलेबल है मार्केट में। एडल्ट्रेंट में क्या है, ब्लैक कैचू, और अलाइड में है नेटल अलॉय एंड मोचा अलॉय, नेटल एंड मोचा अलॉय। तो कैसे याद करेंगे, तो हमें याद करना है कि आलू का मुरब्बा बनाई थी किसने भाई, कुमारी ने, तो सिनोनिम्स हमारा कंप्लीट हो गया था, है ना। और उसी में काजू मिलाई थी, तो काजू से मिलाना से हो जाएगा, देखो मिलाना का मतलब एडल्ट्रेंट, काजू मिलाई थी तो काजू से हो जाएगा ब्लैक कैचू, और किसको खिलाई, तो नाटा मोचा को,
नाटा मोची को, तो नाटा से हो जाएगा नेटल एलॉय और मोची से हो जाएगा मोचा एलॉय। क्या हो जाएगा? नेटल एलॉय एंड मोची एलॉय। तो ये छोटे से निमोनिक्स हैं, हो सकता है आपको एक बार में समझ में नहीं आए, लेकिन आप बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये वीडियोज हमेशा अवेलेबल रहेगा जी, ऐसा नहीं कि अभी हम लाइव आपके साथ इंटरेक्ट हुए हैं तो लाइव के बाद ये क्लासेस जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी, नहीं, ये वीडियोज हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा भी इस वीडियोज को आप देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, उस समय आपको बढ़ाने का भी ऑप्शन होगा। अभी लाइव में तो आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आने वाले टाइम पर जब लाइव कंप्लीट हो जाएगी आज वाली क्लास में, तो उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा बढ़ा करके भी देख सकते हो। जो चीजें आपको समझ में नहीं आए उसको आप दोबारा तिबारा जितने भी टाइम्स आपको देखना है आप देख सकते हो। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आपका एलॉय भी क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं जी कोचनियल। कोचनियल में क्या है बेटा, तो सिनोनिम्स आपको मालूम है, रेड स्केल इंसेक्ट और कोकस मैंने आपको बताया था, फैमिली कोकीडे है, बायोलॉजिकल सोर्स यंग लार्वा ऑफ कोकस कश्ती, आपको मालूम है कोच की कश्ती नहीं डूबती। केमिकल कंस्टिट्यूशन जिस चीज के लिए हम है वो चीजें देख लेते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूशन में रहे अबाउट 10% कार्मिनिक एसिड, कोचनियल में क्या प्रेजेंट है, कार्मिनिक एसिड इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, और वो कितने होते हैं, अबाउट 10% होते हैं। कार्मिनिक एसिड इज रेड कलरिंग मैटर प्रेजेंट इन फैटी पार्ट ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के फैटी पार्ट में ये कार्मिनिक एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है रेड कलर का, इसलिए तो इसको रेड स्केल इंसेक्ट बोला गया है कि इंसेक्ट में रेड कलर का प्रेजेंट है, इसलिए इसका सिनोनिम्स रेड स्केल इंसेक्ट रखा गया है। तो प्रेजेंट इन फैटी पार्ट ऑफ इंसेक्ट एंड योक ऑफ द एग, एग के योक में भी क्या होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। इट गिव्स डीप रेड कलर इन वॉटर, वॉटर में कैसा कलर देगा, रेड कलर, एंड येल्लो इन वायलेट इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में येल्लो टू वायलेट कलर प्रोवाइड करेगा, और जब हम वाटर में रखेंगे तो ये रेड कलर देगा। इट इज ऑल्सो सोल्वल इन अल्कोहल, अल्कोहल में सोल्वल होता है। कार्मीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्मिनिक एसिड, कार्मिनिक एसिड से कार्मीन क्या होता है बेटा, बनाया जाता है। तो कार्मिनिक एसिड यहां पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट है बेटा, जो रेड कलर का होता है, फैटी पार्ट ऑफ इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है। जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं या तो वाटर के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो ये रेड कलर देता है, और जब हम इसको एसिड के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो येलो टू वायलेट कलर ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसी कार्मिनिक एसिड से हम कार्मिन नाम के केमिकल्स को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया कोचनियल का कंप्लीट, कोचनियल हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इस कैटेगरी का लास्ट हमारा है हाइपरिकम, यानी कि एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड का लास्ट जो ग्लाइकोसाइड है वो हमारा क्या है भाई, हाइपरिकम है। तो हाइपरिकम्स में सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, सिनोनिम्स हमें मालूम है, सन जॉन वॉट मिली परसोइस गोट बीट, मैंने आपको बताया था हाइपरटेंशन हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला सन जॉन को कि आप मीट का मिल में आप गोट का मीट यूज कीजिए, यही था इसका सिनोनिम्स, हम लोग ऑलरेडी याद कर चुके थे। हाइपरिक एसिड नाम से है इसका, फैमिली बायोलॉजिकल सोर्स अपन याद कर चुके हैं, हाइपरिकम परफोरेटम ये अपन ट्रिक से याद कर चुके थे कि कोच की कश्ती नहीं डूबती और उसका परफॉर्मेंस खराब नहीं होता। केमिकल कंस्टिट्यूएंट नाम से जी हाइपरसिन और हाइपरफोरिन, नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है, हाइपरसिन और हाइपरफोरिन नाम से है हाइपरिकम से। तो इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यूज पर आते हैं एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड का यूज का मतलब है इसमें रुबॉर भी होगा, कैस्केरा भी होगा, सेना भी होगा, एलॉय भी होगा, कोचनियल भी होगा और हाइपरिकम भी होगा, यानी जितने भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में, ये सारे का यूज हम लोग एक कंबाइंड रूप से यहां पर क्या करते हैं, देखते हैं। देखो इंडिविजुअल भी यूज होता है, लेकिन कुछ यूज जो है वो सबके साथ कॉमन है, तो अपन एक साथ उन चीजों को क्या कर लेते हैं, याद करते हैं, और बाकी जो इंडिविजुअल याद करना होगा वो अपन इंडिविजुअल भी याद करेंगे। तो कैसे है जी, ऑल आर पर्गेटिव, जितने भी हाइपर अपना एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड मॉइटी हैं, वाले ग्लाइकोसाइड हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, तो पर्गेटिव नेचर के होते हैं, पर्गेटिव प्रॉपर्टी इनके पास होते हैं, डायरिया वगैरह के केस में यूज होते हैं। कोचनियल यूज एज अ कलरिंग एजेंट, कोचनियल जो है वो कलरिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको मालूम है एसिड के कॉन्टेक्ट में वो येलो टू वायलेट कलर देगा और वाटर के कॉन्टेक्ट में वो रेड कलर देगा, इसलिए इसको हम एज अ कलरिंग एजेंट क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड हाइपरसिन यूज एज अ एंटी डिप्रेजेंट, जो हाइपरसिन है बेटा, यानी जो हाइपरसिन हाइपरफोरिन जो हाइपरिकम के अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, इनको हम एंटी डिप्रेजेंट के रूप में यूज करते हैं। तो यूनिक पॉइंट याद रखना है, ऑल आर पर्गेटिव, यानी कि अगर आप हम बात करते हैं रुबॉर्ब की, कैस्केरा की, सेना की, दीज ऑल आर हैविंग पर्गेटिव प्रॉपर्टी, दीज ऑल है पर्गेटिव प्रॉपर्टी, यानी इन सभी के पास क्या है भाई, पर्गेटिव प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। लेकिन मैंने यहां पर आपको क्या बताया कि कोचनियल के पास क्या है, कलरिंग प्रॉपर्टी है, और एक मैंने हाइपरसिन बताया उसके पास एंटी डिप्रेजेंट प्रॉपर्टी। कैसे याद करेंगे, तो सबके सब क्या था भाई, पर्गेटिव था, लेकिन कोच का मिजाज क्या था, रंगीला था,
कोच का मिजाज क्या था भाई, रंगीला था। रंगीला का मतलब क्या हो गया, कलरिंग एजेंट। तो कोच का मिजाज क्या था, रंगीला था। और अगर हाइपर टेंशन हो तो आपको डिप्रेशन होगा, क्या होगा, डिप्रेशन होगा। तो डिप्रेशन से याद रखना है, एंटी डिप्रेजेंट के रूप में हाइपरसन क्या होंगे, यूज होंगे। तो याद कैसे करना है, तो ऑल आर पर्गेटिव, सभी के सभी पर्गेटिव है, सिंपली याद हो जाएगा। अब दो यहां पर याद करना था, कोच तो कोच का मिजाज रंगीला था, तो रंगीला से आपको याद रखना है कलरिंग एजेंट के रूप में यूज होगा। और कलरिंग एजेंट में भी हमें याद रखना है कि वाटर के साथ ये रेड कलर देगा और एसिड के साथ ये कौन सा कलर देगा भाई, तो एसिड के कलर के साथ आपको ये कौन सा कलर देगा, येलो कलर, येलो टू वायलेट कलर देगा। स्पीड ठीक है ना, या स्पीड थोड़ी सी नॉर्मल करूं बताना, कमेंट करना आप लोग, है ना। मैं कमेंट यहां पर देखता हूं, मेरे पास ही मोबाइल रखी होती है, तो अपन कमेंट यहां पर देखते हैं। आप कमेंट बता सकते हो, कमेंट में कर सकते हो कि क्या चल रहा है, स्पीड कैसी है, जो है ना नॉर्मल है या अच्छी स्पीड है, जो है ना। तो एंटी डिप्रेजेंट के रूप में हम हाइपरी कम क्या करते हैं, यूज करते हैं। मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई है, खैर चलो ठीक है। ये आपका फर्स्ट ग्लाइकोसाइड जो था बेटा, वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, डेट इज एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड। अब हम लोग आते हैं सेकंड टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड पे। सेकंड टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड है स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड, जिसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी बोलते हैं और स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड भी कहते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू आर ग्लाइकोन मॉइटी, दैट इज कार्डिनोलाइट्स एंड बफरडिनोलाइट्स। जैसे वहां पर एंथ्रासिन में एंथ्राक्विनोन और एंथ्रानॉल दो मॉइटी था, वैसे ही स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड में, कार्डियक ग्लाइकोसाइड में दो मॉइटी हैं, कार्डिनोलाइट्स एंड बफरडिनोलाइट्स, बोथ हैव कार्डियक एक्शन। देखो थेरापेटिक एफिकेसी के कारण ही तो इसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड बोलते हैं, क्योंकि इसके पास हार्ट से रिलेटेड इसके पास एक्शन है। हार्ट से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर हमारी बॉडी में होती है तो उसको क्योर करने के लिए इसके पास एक्शन है। तो ये जो स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड में हमने यूरोपियन स्किल, इंडियन स्किल, रेड स्किल, ब्लैक हेलाबोर, एडोनिस, डिजिटलिस, ओलियंडर, थिबेटिया, ओबेन, स्ट्रोपैंथस, ये जो हमने यूज किया था, जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि इन सारे ग्लाइकोसाइड में स्टेरॉइडल या स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड हैं, तो ये कहां से आया था, ये टर्म्स जो है इनके पास जो प्रॉपर्टी थी कि ये कार्डियक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ये कार्डियक प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि इनके पास कार्डिनोलाइट्स और बफरडिनोलाइट्स हैं। क्या प्रेजेंट है, कार्डिनोलाइट्स प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, बफरडिनोलाइट्स प्रेजेंट है, यही रीजन है, है ना। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। कार्डिनोलाइट्स हैज C23 स्टेरॉइड हैविंग, कार्बन कितने हैं 23, हैविंग अनसैचुरेटेड 5 मेंबर लैक्टोन रिंग अटैच एट 17 बीटा पोजीशन। तो कार्डिनोलाइट्स के पास कार्बन 23 है, अनसैचुरेटेड 5 मेंबर लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है, जो कि 17 बीटा पोजीशन पे क्या है, लोकेटेड है। और कार्डिनोलाइट्स के एग्जांपल है डिजिटलिस, थिबेटिया, स्ट्रोपैंथस। ये डिजिटलिस, थिबेटिया, स्ट्रोपैंथस जो है बेटा वो कार्डिनोलाइट्स के क्या है, एग्जांपल है, जिनमें कार्बन 23 प्रेजेंट है, 5 लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है, जो फिटा 17 पोजीशन पे प्रेजेंट है। मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, टेंशन मत लो, सबका स्ट्रक्चर मैं एक साथ बताऊंगा। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जीपेट में क्वेश्चन सॉल्व भी करवाएगा, तो मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। और इतना डीप में मैं आपको बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा ग्लाइकोसाइड में। ये सारी चीज आपको इसके बाद कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है जी, आपको बस ये वीडियो आपने देख ले और आपको फार्माकोग्नोसी का जो ग्लाइकोसाइड वाला पोर्शन है वो टोटल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैंने एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने यहां पर कवर किया है। नेक्स्ट आते हैं बफरडिनोलाइट्स। तो बफरडिनोलाइट्स है C24। देखो कार्डिनोलाइट्स के पास C23 था, यहां पर 24 है कार्बन, 24 स्टेरॉइड हैविंग अनसैचुरेटेड 6 मेंबर लैक्टोन रिंग। तो वहां पर अनसैचुरेटेड 5 मेंबर लैक्टोन रिंग था, यहां पर 6, तो एक कार्बन भी बढ़ गया, एक लैक्टोन रिंग भी बढ़ गया बफरडिनोलाइट्स में, एंड अटैच एट 17 बीटा पोजीशन। तो अटैचमेंट तो 17 बीटा पर ही है जी, दोनों सेम है, कार्डिनोलाइट्स हो चाहे बफरडिनोलाइट्स हो। तो आपसे अगर डिफरेंस पूछा जाएगा कि कार्डिनोलाइट्स और बफरडिनोलाइट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, तो कार्डिनोलाइट्स में बेटा C23 है और 5 अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग है, जबकि बफरडिनोलाइट्स में C20
24 है और 6 अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग है, बाकी पोजीशन जो होगा वो बीटा 17 पर ये क्या होंगे लोकेटेड होंगे। तो ये है बिग एग्जांपल। कार्डिनोलाइट्स का एग्जांपल डिजिटलिस मैंने बताया, थीवेटी आपको बताया, और आपको क्या बता दिया स्ट्रोपैंथस, और यहां पर एग्जांपल जो है बफाडिनोलाइट्स में वो क्या है स्क्विल। स्क्विल का मतलब है इंडियन स्क्विल, यूरोपियन स्क्विल और रेड स्क्विल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट डी पर। फॉर मैक्सिमम कार्डियक एक्टिविटी लैक्टोन रिंग अटैच टू 17 बीटा पोजीशन एंड सुगर पार्ट इज अटैच टू 3 बीटा पोजीशन। अगर आपको कार्डियक एक्टिविटी ज्यादा चाहिए, कार्डियक एक्टिविटी अगर आपको ज्यादा चाहिए तो कार्डियक एक्टिविटी ज्यादा आपको करने के लिए क्या करना होगा बेटा, 17 पोजीशन पे आपको लैक्टोन रिंग रखना होगा और सुगर मॉइटी जो है सुगर मॉइटी के लिए आपके पास 3 बीटा पोजीशन होनी चाहिए। देखो किसी भी ग्लाइकोसाइड में सुगर नॉन सुगर दोनों होगा, यहां पर जो लैक्टोन रिंग है वो नॉन सुगर है, इसके पास थेरापेटिक एफिकेसी है, थेरापेटिक एफिकेसी में क्या है तो कार्डियक प्रॉपर्टीज के पास है, कार्डियक से रिलेटेड जो डिजीज डिसऑर्डर होंगे उनमें ये यूज होंगे, और एक हमारे पास क्या है सुगर जो कि 3 बीटा पर इनका पोजीशन होना चाहिए। तो ये हो गया आपको कि मैक्सिमम अगर आपको एक्शन कार्डियक एक्टिविटी आपको चाहिए तो आपको क्या चेंजेस करना होगा, ये चेंजेस से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं इंडियन स्किल। इंडियन स्किल में क्या है बेटा, इंडियन स्किल की अगर बात की जाए तो इंडियन स्किल में है बेटा सिनोनिम्स जंगली प्याज, सीला सी ऑनियन आपको मालूम है, फैमिली लिलियेसी मालूम है, बायोलॉजिकल सोर्स अर्जिनिया मैरिटिमा आपको मालूम है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट पे आते हैं तो देखिए इंडियन स्किल का केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, इंडियन स्किल का है बेटा सीलेरिन, क्या है एक हम सबसे पहले आया इंडियन स्किल अपना है सबसे पहले है ना, तो इंडियन स्किल का है अपने पास। देखो हमने यूरोपियन इंडियन और रेड स्किल को एक साथ देख रहे हैं है ना, तीनों को एक साथ सबका लगभग कॉमन ही प्रॉपर्टी है, तो इंडियन में देखो क्या है इसका सिनोनिम सीला, तो सीला से यहां पर हो जाएगा सीलेरिन ए, केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा सीलेरिन ए, तो सीलेरिन ए विच इज हाइड्रोलाइज्ड बाय सीलेरिनेज एंजाइम, सीलेरिनेज एंजाइम से सीलेरिन जो है बेटा सीलेरिन जो है ए बनता है जो आगे जाकर के प्रोसीलेरिडिन ए का फॉर्मेशन करता है, और ये प्रोसीलेरिडिन हाइड्रोलाइज होगा एसिड से तब जाकर के सीलेरिडिन ए और सीलेरिनिन ए का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर ध्यान रखना कि है क्या भाई, तो है सीले, देखो नाम सब कॉमन है सीलेरिन ए है ना, ये हाइड्रोलाइज होगा किससे भाई, तो एक एंजाइम से, और उस एंजाइम का नाम है सीलेरिनेज एंजाइम, और क्या बनाएगा तो प्रो सीलेरिडिन बनाएगा क्या, और ये फिर से एसिड से हाइड्रोलाइज होगा और क्या बनाएगा भाई, तो ये बनाएगा आपका सीलेरिन, सीलेरिडिन ए, तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पर आपको सीलेरिन याद रखना है, तो सीलेरिन ए हो गया, प्रोसीलेरिन ए हो गया, सीलेरिडिन ए हो गया, या सीलेरिनिन ए हो गया, ये सब सेम है कॉमन है, बस इनका हाइड्रोलिसिस होते जाता है, नाम चेंज होते जाता है। याद रखना है कि यहां पर हाइड्रोलिसिस के लिए केमिकल यूज होते हैं सीलेरिनेज एंजाइम, सॉरी एक एंजाइम यूज होते हैं, केमिकल नोट बेटा, एक एंजाइम यूज होते हैं सीलेरिन एंजाइम, वही सीलेरिनेज एंजाइम ही क्या करता है तो इसको सीलेरिन ए को प्रोसीलेरिन में क्या करता है कन्वर्ट करता है। इसके अलावा वही सीलेरिन बी है, वही फिर से हाइड्रोलाइज होगा और क्या बनाएगा सो सीलेरिन बी। तो यहां पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट आपको क्या याद रखना है इंडियन स्किल और यूरोपियन स्किल और रेड स्किल में, सीलेरिडिन ए सीलेरिडिन बी, वी कैन ऑल्सो से सीलेरिन ए सीलेरिन बी, वी कैन ऑल्सो से प्रो सीलेरिडिन ए प्रो सीलेरिडिन बी, वी कैन ऑल्सो से सीलेरिनिन ए और सीलेरिनिन बी, तो सब कॉमन है। तो ये इनका क्या है भाई केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो सीला से आपको याद हो जाएगा। एडल्ट्रेंट है सीला हाइसिटोनिया, क्या है भाई सीला हाइसिन टोयाना है ना, सीला हाइसिटोयाना ये इसका क्या है, तो ये भी देखो सीला से ही है, तो ये इसका एडल्ट्रेंट है सीला हाइसिटोयाना, चाहो तो आप याद कर सकते हो इंडियन स्किल कौन खाई सीला, और सीला क्या थी भाई तो सीला एक हसीना थी, क्या थी हसीना, तो हसीना से हो जाएगा हाइसिन टोयाना, हाइसिन टोयाना, तो हाइसिन टोयाना से आपको याद हो जाएगा हसीना, कर लोगे तो आई होप आपको ये भी याद हो गया, ये अपना यूरोपियन स्किल कंप्लीट हो गया, इंडियन स्किल कंप्लीट हो गया, रेड स्किल, ये तीनों को हमने क्या कर लिया बेटा कॉमनली यहां पर क्या कर लिए हैं डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं जी ब्लैक हेलाबोर। ब्लैक हेलाबोर में देखो रेनकुलेसी फैमिली आपको मालूम है, बायोलॉजिकल सोर्स हेलाबोरस निगर मालूम है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसमें हेलेब्रिन,
क्या है हेलेब्रिन, हेलाबोर हेलेब्रिन, याद हो जाएगा। मैंने बताया ना कि बहुत बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ये नाम से ही मिलता जुलता रहता है, इनके बायोलॉजिकल सोर्सेस सिनोनिम से इन्हीं से मिलता जुलता इनमें क्या पाए जाते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। लेकिन आपको दो तीन बार जब आप इसको देखोगे, जब नोट्स आप घर पे बनाओगे अच्छे से अपनी नोटबुक में, और उसके बाद जब आप इसको देखोगे तो आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए, तो ये आपका हो गया ब्लैक हेलाबोर। एडोनिस का सिनोनिम्स आपको मालूम है फिजेंटसाई, रेनानकुलोसी इसकी फैमिली है। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल सोर्स, आपको मालूम है एडोनिस बर्नालिस है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट है एडोनिटॉक्सिन एंड केस्ट्रोपैंथीन, एडोनिस से ही देखो नाम है एडिनोटॉक्सिन, एडिनोटॉक्सिन इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। इसके अलावा केस्ट्रोपैंथीन भी इसका क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। तो यहां पर भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, नाम से यहां पर याद हो जाएगा एडिनोटॉक्सिन। ओलियंडर एपोसाइनेसी फैमिली याद है, ड्राई लिप्स ऑफ नेरिकम ओलियंडर आपको बायोलॉजिकल सोर्स मालूम है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट ओलियंड्रिन, नाम से ही आपको याद हो जाएगा। तो यहां पर भी इजीली आप क्या कर लोगे, इन चीजों को देख लोगे। नेक्स्ट है जी डिजिटेलिस, हो सकता है आप इसको जल्दी जल्दी लिख नहीं पा रहे होगे, तो आप प्लीज इसके बाद वीडियोज को दोबारा देख करके इसको लिख लेना, है ना। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है तो हो सकता है आप लिख नहीं पा रहे होगे जल्दी जल्दी, तो आप इस वीडियोज को आप क्या कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो। हमारी लाइव क्लास के बाद ये वीडियोज हमेशा अवेलेबल रहते हैं हमारे चैनल पे, है ना। तो इसके बाद जैसे ही लाइव क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो ये वीडियो फिर से आपके लिए क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, तो वहां पर इन चीजों को आप दोबारा देख सकते हो। डिजिटलिस फॉक्स ग्लोब लिव इसके सिनोनिम्स है, फैमिली स्क्रोफ्लोरिएसी आपको मालूम है, बायोलॉजिकल सोर्स डिजिटलिस परपुरिया एरनाटा लैलेंटा सारे फैमिली बायोलॉजिकल सोर्स है आपको मालूम है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट में देखो परपुरिया ग्लाइकोसाइड ए, परपुरिया ग्लाइकोसाइड बी, इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है भाई, तो परपुरिया ग्लाइकोसाइड ए। तो देखो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, डिजिटलिस परपुरिया, तो इसी परपुरिया से केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, परपुरिया ग्लाइकोसाइड ए परपुरिया ग्लाइकोसाइड बी। तो बायोलॉजिकल सोर्स अगर हमको याद है तो ऑटोमेटिक उसका क्या हो जाएगा, केमिकल कंस्टिट्यूएंट याद हो जाएंगे। मैंने आपको बार बार आपको मैं बता रहा हूं परपुरिया ग्लाइकोसाइड ए में क्या प्रेजेंट है जी, तो जब परपुरिया ग्लाइकोसाइड ए को एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, डिजिटॉक्सिन, और उस डिजिटॉक्सिन को जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तब बनता है डिजिटॉक्सीजेनिन प्लस 3 डिजिटॉक्सोज। तो परपुरिया ग्लाइकोसाइड ए को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डिजिटॉक्सिन बनता है, डिजिटॉक्सिन को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डिजिटॉक्सीजेनिन और 3 डिजिटॉक्सोज बनता है। परपुरिया ग्लाइकोसाइड बी को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जीटॉक्सीजेनिन बनता है, क्या बनता है, जीटॉक्सीजेनिन, और जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जीटॉक्सीजेनिन और 3 डिजिटॉक्सोज यहां पर क्या बनेगा, फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर परपुरिया ग्लाइकोसाइड ए से क्या बनेगा, परपुरिया ग्लाइकोसाइड बी के हाइड्रोलिसिस होगा, तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में पहले एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होगा बेटा, उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस अगर आप परपुरिया ग्लाइकोसाइड ए का करवाते हो तो डिजिटॉक्सिन बनेगा, और परपुरिया ग्लाइकोसाइड बी का करवाते हो तो जीटॉक्सीजेनिन बनेगा। इसका जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको डिजिटॉक्सीजेनिन और जीटॉक्सीजेनिन आपको बनेगा, और बाकी यहां पर 3 डिजिटॉक्सो जो है वो कॉमन दोनों में बनेंगे। तो आपको याद रखना है परपुरिया ग्लाइकोसाइड ए, परपुरिया ग्लाइकोसाइड बी, डिजिटॉक्सो, डिजिटॉक्सिन, जीटॉक्सीजेनिन, ये सारे इनके क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। और डीप में आपको याद रखना है कि कब किसकी हाइड्रोलिसिस हुई और कौन किसका प्रोडक्ट बना। एडल्ट्रेंट जो है बेटा यहां पर अलाइड भी यूज होता है, एडल्ट्रेंट भी यूज होता है डिजिटलिस के केस में। एडल्ट्रेंट क्या है, तो वर्बेशम थापस, सिम्फाइटम ऑफिशनल और प्राइमुला वल्गरिस, क्या है भाई, तो वर्बेशम थापा, मुलिन लिप्स, कॉम्प्रे लिप्स और प्राइमा रोज लिप्स इनका सिनोनिम्स है। तो सिनोनिम्स भी हमें याद रखना है कि वर्बेशम थापस का सिनोनिम्स क्या है, सिम्फाइटम ऑफिशनल का क्या है और प्राइमुला वल्गरिस का क्या है। कैसे याद करेंगे, तो डिजिट डिजिट में है ना, या डिजिटल लैब, अपन डिजिटलिस से क्या निकालेंगे, डिजिटल लैब, डिजिटल लैब में आसाम के थापा लोग, आसाम में थापा हो, जैसे हमारे यहाँ पटेल हैं, हमारे यहाँ पाटीदार हैं, पांडे हैं, मिश्रा हैं, ये सारे जो हमारे यहाँ क्या है, एक कम्युनिटी है, तो वैसे ही वहां पर थापा है आसाम में, आसाम जो हमारे देश की एक राज्य है उसमें क्या है भाई, तो थापा समुदाय है। तो क्या है, तो डिजिटल लैब में आसाम के थापा लोग ऑफिस के अंदर, ऑफिस के अंदर वल्गर बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, वल्गर। तो कैसे याद हो जाएगा, तो डिजिटल लैब में, तो डिजिटलिस आसाम के लोग, आसाम के थापा यानी वर्बेशम थापस क्या करते हैं ऑफिस में, तो ऑफिस से हो जाएगा सिम्फाइटम ऑफिशनलम, क्या करते हैं, वल्गर बातें करते हैं, तो वल्गर से हो जाएगा प्राइमुला वल्गरिस, याद हो जाएगा। तो एडल्ट्रेंट का मैंने आपको ट्रिक बता दिया। अलाइड में है डिजिटलिस लूटिया, डिजिटलिस लैनेटा, डिजिटलिस थापसी। तो डिजिटलिस टैलिस है
क्या, 43 को हम यहां पर क्या बोलते हैं, 40, क्या बोलते हैं, 40 यानी कि 40, 43 को हम लोग और क्या बोलते हैं, 40। याद रखना आगे इसका हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे तो उन सभी में इसको हम 40 ही बोलेंगे, 40 ही कहेंगे। तो यहां पर क्या है, 40, ठीक है। तो डिजिटलिस्ट 40 लोग लूट गए क्योंकि वो स्ट्रॉ लाने गए थे, कहां से लाने गए थे, ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए उनको थप्पड़ मारा गया और उनको स्पेन भेज दिया गया। तो अलाइड कैसे याद करेंगे, तो 40 लोग लूट गए, तो डिजिटलिस लूटिया, क्यों लूट गए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी लाने गए थे। तो डिजिटलिस लूटिया का नाम क्या है, स्ट्रोफॉक्स ग्लोब, इसका सिनोनिम्स है। लाने गए थे ऑस्ट्रेलिया से, लाना से हो जाएगा डिजिटलिस लैनेटा और ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा ऑस्ट्रियल फॉक्स ग्लोब, यानी डिजिटलिस लैनेटा का सिनोनिम्स है ऑस्ट्रेलियल फॉक्स ग्लोब। तो उसके मालिक ने 40 थप्पड़, तो 40 से डिजिटलिस थप्पड़ से हो जाएगा थापसी मारा और उसको स्पेन भेज दिया, तो स्पेनिश फॉक्स ग्लोब याद हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे निमोनिक्स ही हमें वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा जी। डिजिटलिस का अगर अलाइट का याद करना है तो 40 लोग लुट गए, स्ट्रॉ लाने गए थे ऑस्ट्रेलिया से, मालिक ने 40 थप्पड़ मारा और स्पेन भेज दिया, खत्म हो गया अलाइट। एडल्ट्रेंट के लिए हमने क्या यूज किया, तो डिजिटल लाइब्रेरी में या डिजिटल लैब में आसाम के थापा लोग ऑफिस टाइम पे वल्गर बातें करते हैं, खत्म। एक एक वर्ड वहां पर आपको क्वेश्चन, क्योंकि आपके सामने वो आंसर रहेगा, आपके सामने आंसर दिया रहता है, आपको तो केवल आंसर सेलेक्ट करने होते हैं, आपके सामने आंसर दिया रहता है, एक एक वर्ड आपको क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करवाएगा। और अदरवाइज ये 2-3 बार जब आप इसको रिपीट करोगे ना, ये सारे निमोनिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ या प्रीवियस क्लास में जो मैं आपको निमोनिक्स दिया हूँ, इन निमोनिक्स को अगर आप डेली रिवाइज करोगे, एक बार देखोगे अच्छे से, नोटबुक में लिखोगे कहानी के फॉर्म में जैसे मैं सुनाता हूँ, तब आपको ईजिली ये चीजें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा और नो डाउट आपका फार्माकोग्नोसी में सारे क्वेश्चन टच हो जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चे तो इसको याद करने के डर से ही छोड़ देते हैं, कह रहे यार कौन इतना याद करे, लेकिन इसको याद करना बहुत आसान है। छोटे छोटे निमोनिक्स जो मैं आपको दिया हूँ, इन निमोनिक्स से आप इसको याद करके आप अपना स्कोर कार्ड जो है वो अपना रैंक जो है वो आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो बेटा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा डिजिटलिस। डिजिटलिस के बाद थिवेटिया है, फैमिली आपको मालूम है, बायोलॉजिकल सोर्स अपन ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में, केमिकल कंस्टिट्यूएंट में थिवेटिन बी सेरेब्रोसाइट, थिबेटिन ए थिबेटिन बी, दो इसमें देखो थिबेटिन बी और क्या है भाई सेरेब्रोसाइट, तो सेरेब्रोसाइट को थिबेटिन ए और थिबेटिन बी का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो थिबेटिन ए बी और सेरेब्रोसाइट क्या है, तो इट इज मिक्सचर ऑफ थिबेटिन ए एंड बी, थिबेटिन ए और बी अगर मिक्सचर में आता है तो उसको हम सेरेब्रोसाइट बोलते हैं, और यहां पर और क्या है थिबेटिन बी, तो थिबेटिया नाम से ही इसका क्या है केमिकल कंस्टिट्यूएंट आपको याद हो जाएगा, थिबेटिन ए और बी और सेरेब्रोसाइट। ओवेन का एपोसाइनेसी फैमिली है, बायोलॉजिकल सोर्स एकोन्थेरा सिंपेरी और ग्रेटस, आपको मालूम है स्ट्रोपैंथस ग्रेटस मैंने आपको बताया था, वो अमा ग्रेट पर्सनालिटी के हैं लेकिन वो सैम्पियन पीते हैं, अपन ऑलरेडी ट्रिक्सन सारी चीजों को याद कर चुके हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट में यहां पर है बेटा ओवेन जी स्ट्रोपैंथिन एंड ओबाजेनिन, नाम से है ओवेन से ओबाजेनिन या तो ओवेन आपको इजिली याद हो जाएगा, तो नाम वाली चीजें आपको याद हो जाएगी और नाम वाली चीजें से वो बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, लेकिन तब भी हमें याद रखना है, समटाइम्स पूछे भी जाते हैं। स्ट्रोपैंथस में क्या है बेटा, तो स्ट्रोपैंथस का आपको सेमिनोस्ट्रोपैंथा इसका सिनोनिम्स है, फैमिली एपोसाइनेसी याद है, स्ट्रोपैंथस कुंभे मैंने आपको बताया था कि स्पिनर है कुंभले वो अपन याद कर लेते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूशन में है के स्ट्रोपैंथेनिन जो कि सीमेरिन साइमरोल और के स्ट्रोपैंथोसाइट का क्या है कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है स्ट्रोपैंथिन का वो है के स्ट्रोपैंथिन जो कॉम्बिनेशन है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ के स्ट्रोपैंथोसाइट कॉमरिन और साइमरोल। ऑल स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड यूज एज अ कार्डियोटोनिक, एकमात्र यूज हमने यहां पर दिया है, ये जितने भी ग्लाइकोसाइड हो चाहे वो इंडियन स्क्विल हो, यूरोपियन स्क्विल हो, रेड स्क्विल हो, ब्लैक हिलाबोरस हो, एडोनिस हो, डिजिटलिस हो, ओलियंडर हो, थिबेटिया हो, ओवेन हो, स्ट्रोपैंथस हो, ये सभी के सभी क्या है भाई, तो ये सभी के सभी कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी इनके पास होती है, हार्ट के डिसऑर्डर के रूप में इनको हम क्या करते हैं यूज करते हैं। ये आपका सेकेंड टाइप भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। थर्ड आते हैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, है ना, सैपोनिन के अलावा हमारा आइसोथायोसाइनेट है जो आगे आपको मिल जाएगा। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद रखना है, आज वाली क्लास तो बहुत फास्ट जा रही है और कंप्लीट भी होते जा रही है, यहां पर कॉन्सेप्ट था ही नहीं आज जितनी भी चीजें, इसलिए मैंने आपको पॉइंट डायरेक्ट लिया ताकि आपका टाइम, जब मैं एक एक चीज लिखूंगा तो बहुत टाइम लॉस होगा आपका,
और सिलेबस भी नहीं हो पाएगा। तो अपने को कम टाइम में इन चीज़ों को क्या करना है, याद करना है, समझना है। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में क्या है बेटा, एज द नेम इंडिकेट द ग्लाइकोन पार्ट ऑफ दिस ग्लाइकोसाइड हैज सोप लाइक एक्शन। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के पास जो एक्शन है वो कैसा है, सोप लाइक एक्शन है, याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट, दे आर जनरली कंसीडर्ड, है ना, दे आर जनरली कंसीडर्ड एज अ हेमाटोटॉक्सिक बिकॉज दे कॉज हीमोलाइसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट। सम आर यूज्ड एज अ फिश पॉइजन, फिश पॉइजन के रूप में यूज होता है, ये हीमोलाइसिस कॉज करते हैं, इसलिए इसको हेमाटोटॉक्सिक भी बोलते हैं। किसको भाई, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड को। सैपोनिन है बीटर एंड एक्रीड टेस्ट, इसके पास क्या होता है भाई, तो बीकर टेस्ट इनके पास पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, केमिकली दे कंटेन अ ग्लाइकेन कॉल्ड सैपोजेनिन। इनके पास जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट के रूप में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, सैपोजेनिन है। सैपोजेनिन आर टू टाइप, एक है स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल सैपोजेनिन। तो जैसे हमने वहां पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट पढ़ते थे, वैसे यहां पर भी कंपोनेंट है, जैसे एंथ्राक्विनोन था, एंथ्रोनॉल्स था, तो वैसे ही यहां पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट है बेटा सैपोजेनिन। अब सैपोजेनिन स्टेरॉइडल और नॉन स्टेरॉइडल होते हैं, तो दोनों को देख लेते हैं। स्टेरॉइडल टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनॉइड सैपोजेनिन, स्टेरॉइडल और नॉन स्टेरॉइडल दोनों हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो स्टेरॉइडल में क्या है, तो स्टेरॉइडल टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनॉइड सैपोजेनिन, इसमें है बेटा डिसोजेनिन एग्जांपल, क्वार्सेटिन, हेकोजेनिन, र्यूटीन, सारसापोजेनिन, दीज ऑल आर स्टेरॉइडल इन नेचर। ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं जी जो स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं। स्टेरॉइडल सैपोजेनिन आर यूजफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि मेस्ट्रानॉल, डायुरेटिक एस्ट्रेनॉल, स्पाइरोनोलैक्टोन, ये सारी। तो यहां पर क्या बता रहा है कि जो सेक्सुअल स्टेरॉइडल, जो स्टेरॉइडल जो हमारे सैपोजेनिन है, ये विटामिन डी का फॉर्मेशन करने के लिए सेक्स स्टेरॉइड जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हो गया, टेस्टोस्टेरॉन हो गया, कार्डियोग्लाइकोसाइड प्रोपर्टिन के पास है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि मेस्ट्रोनॉल जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक मेडिसिन है, डायुरेटिक स्टेरॉइडल प्रॉपर्टी यानी कि ये क्या करता है भाई, तो स्पाइरोनोलैक्टोन का फॉर्मेशन करता है, ये सब इनके पास प्रॉपर्टी अगर स्टेरॉइडल है तो। और स्टेरॉइडल सैपोजेनिन कहां कहां प्रेजेंट है, तो स्टेरॉइडल सैपोजेनिन प्रेजेंट है बेटा डिस्कोरिया और शतावरी, डिस्कोरिया और शतावरी में स्टेरॉइडल टेट्रासाइक्लिन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दिख रहा है ना आपको, या थोड़ा सा और लार्ज करूं, है ना, चलिए चलिए हो गया, अब तो दिख रहा होगा आपको। तो यहां पर क्या है बेटा कि स्टेरॉइडल में क्या क्या है भाई, तो ओरल कंट्रासेप्टिव, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। नॉन स्टेरॉइडल में क्या है, तो नॉन स्टेरॉइडल पेंटासाइक्लिक, देखो यहां पर क्या था, तो ये था टेट्रासाइक्लिक, यहां पर है पेंटासाइक्लिक। ट्राइटरपेनॉइड सैपोजेनिन में क्या है, तो अल्फा अमाइरिन, बीटा अमाइरिन एंड लिपियोल आर नॉन स्टेरॉइडल इन नेचर, एग्जांपल है जिनसेंग, लिकोराइस, सेनेगा, क्विलिया। तो जिनसेंग, लिकोराइस, सेनेगा, क्विलिया में क्या प्रेजेंट है, नॉन स्टेरॉइडल या पेंटासाइक्लिक हमारे पास क्या है, सैपोजेनिन। और बाकी जो मैंने आपको डिस्कोरिया और शतावरी बताया उसमें क्या है, अपने पास स्टेरॉइडल है। दोनों का रोल क्या है, ये मैंने आपको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं कि इनके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उनका क्या क्या रोल है। तो फर्स्ट हमारा ममोर्टिका है, ममोर्टिका का सिनोनिम्स बिटर गार्ड आपको मालूम है, फैमिली कुकुरबिटेसी मालूम है, बायोलॉजिकल सोर्स देख चुके हैं, केमिकल कंस्टिट्यूशन है चरंटीन ममोर्डिशिन। तो इसका देखो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ममोर्टिका चरंसिया, तो चरंसिया से हो गया चरंटीन और ममोर्टिका से ममोर्डिशिन, कंप्लीट हो गया। मैंने बताया ना कि बायोलॉजिकल सोर्स से बहुत सारी चीजें कवर होगी। यूज होता है एज ए एंटी डायबिटिक एक्शन, आपको मालूम है ममोर्टिका जो है बिटर गार्ड यानी कि करेला, करेला डायबिटिक पेशेंट को खिलाया जाता है जिनको डायबिटीज होती है, जिनको शुगर होता है, तो एंटी डायबिटिक एक्शन इसके पास होती है इसलिए इसको दिया जाता है। तो ममोर्डिशिन तो कंप्लीट हो गया। सेकंड है बेटा जिनसिंग, निंजिन, पनाक, पनाक्स में अपन सिनोनिम्स याद किए थे, एरलियसी फैमिली याद था, पनाक्स, जिनसिंग, इनका बायोलॉजिकल सोर्स मालूम है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट में बेटा जीने, जिनसेनोसाइट, पेनोक्सोसाइड और चिकेसेट्सू, क्या है, जिनेसोसाइड, पेनोक्सोसाइड और चिकेसेट्सू, इसका क्या है भाई,
क्या है, इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। जिन सिनोसाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो बनाता है बेटा डैमेरोल, पेनोक्सीसाइड का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ऑलियनिक एसिड बनेगा, और बाकी चीकेसेट्स तो आपके पास है ही। तो यहां पर ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिनसेंग में जिनसेनोसाइड, पेनोक्सीसाइड और चीकेसेट्स, जिसको हम डैमेरोल ऑलियनिक एसिड भी कहते हैं। तो ये आपका क्या है, केमिकल कंस्ट्रक्शन, जो आपको याद करना है। यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, सॉरी फॉर डैट, आपको खुद से भी ट्रिक बनाना है, कुछ मेहनत करनी है, बहुत सारी चीजों की ट्रिक आपको नहीं मिलेगी, या आप खुद से बना सकते हो तो आप बना करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, और बाकी जो बनेगा वो तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। स्पीसीज ऑफ पनाक्स क्या है, तो पनाक्स जिनसेंग कोरियन है, पनाक्स जैपोनिका जापानीज है। इसके अलावा यहाँ पर दो और होंगे, पनाक्स नोटोसेंग जो है वो चाइनीज है, पनाक्स क्यूनोफोलियम जो है वो अमेरिकन है। तो इनका कुछ जिनसेंग का कुछ स्पीसीज है, और स्पीसीज से क्वेश्चंस जीपेट में पूछे जा चुके हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रखना, कैसे याद करेंगे, पन्ना के जो राजा थे, जो किंग थे, वो कोरिया से सिंह लेकर के आए थे, यानी कि लॉयन लेकर आए थे, तो पनाक्स कोरियन याद रखेंगे, पनाक्स जिनसेंग कोरियन होगा। पनाक्स जैपोनिका, यानी पन्ना के जो सिंह था वो कोरिया का था, है ना, पनाक्स जैपोनिका, जापान वाला जापानी सिंह से जिनसेंग हो जाएगा, नाम से ही है। पनाक्स नोटो जिनसेंग, नोट से खरीद करके चाइना से लाया गया बाद में, और पनाक्स क्यूनकी फोलियम, यानी जो क्वीन आई वो अमेरिका से लेकर के आई। ये आपको क्या करना है, याद रखना है इनके सिनोनिम्स। यूज इसका एज ए एडेप्टोजन, यानी इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग के रूप में इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली यूज करते हैं। तो इसका यूज भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ममोडिका का यूज एंटी डायबिटिक के रूप में है, और इसका एज ए एडेप्टोजन यानी कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर के रूप में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। गोखरू का देखिए, पंक्चर पॉइंट, जाइगोफाइलेसी और ट्राइबुलस्टेरिस आपको याद है, इसके बायोलॉजिकल फैमिली और सिनोनिम्स। केमिकल कंस्टिट्यूएंट में देखिए, नाम से ही है, डिसो, यहाँ पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट है डिसोजेनिन, जीटोजेनिन, क्लोरोजेनिन, रोस्कोजेनिन, स्टेरॉइडल सैपोनिन, ये सभी के सभी क्या है, स्टेरॉइडल है। स्टेरॉइडल और नॉन स्टेरॉइडल अभी मैंने आपको बताया था, तो ये सभी के सभी क्या है भाई, स्टेरॉइडल है। यूजेस क्या है भाई, तो पेनफुल मिक्टुरिशन, मिक्टुरिशंस में इनको यूज किया जाता है। पेनफुल मिक्टुरिशन यानी जब आप यूरिन को पास करते हो, जब यूरिसिस होता है, यूरिन जब पास आउट होता है तो पेन होता है पेनिस के अंदर में या तो यूरेथ्रा के अंदर में, तो उस केस में इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं उस मिक्टुरिशन, उस पेन को हम मिक्टुरिशन कहते हैं। इसके अलावा ये एफ्रोडाइस प्रॉपर्टी है, एफ्रोडाइस का मतलब होता है सेक्सुअल अरोजल को जो इंक्रीज करे, और गाउट में भी इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो गोखरू का यूज है गाउट में, एफ्रोडाइस प्रॉपर्टी है, इसके अलावा इसका यूज है जी पेनफुल मिक्टुरिशन में। कुछ स्पीसीज हैं गोखरू का, जैसे बायोलॉजिकल सोर्स 12 गोखरू स्पीसीज का एक गोखरू का स्पीसीज है बेटा, जिसका नाम है 12 गोखरू। 12 गोखरू का बायोलॉजिकल सोर्स है पैलेडियम म्यूरेक्स, फैमिली है पेडेलिनेसी, यूजेज है डायरेटिक्स, डाइसूरिया और गोनोरिया में। तो ये भी याद रखना है, 12 गोखरू का अलग यूज है, अलग फैमिली है, अलग बायोलॉजिकल सोर्स है, और जबकि नॉर्मल गोखरू का अलग सिनोनिम्स फैमिली बायोलॉजिकल सोर्स है, और इसका यूज भी अलग है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग शतावरी, शतावरी की अगर बात की जाए, सटमुली लिलियसी फैमिली और स्पार्जस रेसिमसस अपन याद कर चुके थे फैमिली में। केमिकल कंस्टिट्यूएंट में शतावरीन 1, 2, 3, 4 ये चार क्या है भाई, शतावरीन के केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं। शतावरीन 1 को हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनता है, सार्सापोजेनिन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं डिस्कोरिया, डिस्कोरिया का यम रिमेटिजम रूट आपको मालूम है, डिस्कोरियसी फैमिली है, डीकम्पोजिटा डिस्कोरिया डेल्टोइडी आपका बायोलॉजिकल सोर्स है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट नाम से है जी डिसोजेनिन, स्मिलाजेनिन और यमोजेनिन, इसका जो है यम जो है क्या है, इसका सिनोनिम्स है, तो यम से यमोजेनिन है, और डिसोजेनिन डिस्कोरिया से आ जाता है डिसोजेनिन। तो डिसोजेनिन, स्मिलाजेनिन और यमोजेनिन इसका क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, इसका अलाइड है डी फ्लोरिवंडा एंड डी बोलोसा, डी फ्लोरिवंडा डी बोलोसा। तो डिस्को का आइडिया डेल्टोइडिया, और डिस्को कहां पर होता है, फ्लोर पर होता है, तो फ्लोरिवंडा आपको यहां से याद रखना है, और ये फ्लोर कहां पे बना था, विला में बना था, एक विला अंदर यानी एक 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 हाउस के अंदर, डुप्लेक्स टाइप का, तो उसको विला कहते हैं। तो डी बोलोसा और डी फ्लोरिवंडा इसका क्या हो जाएगा, अलाइट हो जाएगा। यूज क्या है, तो इन रूमेटिक अर्थराइटिस, अर्थराइटिस में यूज होता है, एंड सिंथेसिस ऑफ मेडिसिनल स्टेरॉइड, मेडिसिनल स्टेरॉइड की सिंथेसिस के लिए भी हम क्या करते हैं, तो डिस्कोरिया को यूज करते हैं। सफेद मुसली लिलियसी फैमिली है जी, इसका बोरोबिलियनम इसका क्या है भाई, अपना बायोलॉजिकल सोर्स है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट है हेकोजेनिन, मौसी को क्या हुई, हिचकी, मौसी को क्या हुई भाई, हिचकी।
तो हिचकी से हो जाएगा हेकोजेनिन। इसका यूज कहां पर है? जनरल टोनिक और एफ्रोडायसिक, यानी कि एफ्रोडायसिक का मतलब सेक्सुअल अराउजल को इंक्रीज करे, और जनरल टोनिक के रूप में इसको क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। किसको? सफेद मुछली को। नेक्स्ट है हमारा लिक्योराइस। लिक्योराइस में बेटा सिनोनिम्स है मुलेटी, फैमिली है लेगुमिनेसी, बायोलॉजिकल सोर्स आपको मालूम है ग्लिसरल ग्लेवरा, केमिकल कंस्टिट्यूएंट नाम से है जी ग्लिसरहिजा से ही है, ग्लिसरहिजीन और ग्लिसरहिजिनिक एसिड। अलाइड भी इसके नाम से है ग्लिसरहिजा यूरेलेंसिस, जिसको हम मंचूरियन लिकराइस बोलते हैं। तो लिकराइस से अपन क्या निकाले थे? लिकर। लिकर का मतलब क्या होता है? शराब। शराब अपन का पिए मंचूरियन के साथ, क्या लिए? मंचूरियन। तो मंचूरियन लिकराइस हो जाएगा इसमें अलाइड। यूज इसका क्या है? तो एक्सपेक्टोरेंट के रूप में यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी यूज जो इंडिविजुअल बता दें, जैसे मैंने आपको एंथ्रासिन में एक साथ बता दिया कि ऑल आर पर्गेटिव, कोचिनियल का हमने कलरिंग एजेंट के रूप में वहां पर क्या कर लिया था, देख लेते, और हाइपर हाइपरिकम को हमने वहां पर एंटी डिप्रेजेंट के रूप में देख लेते हैं। सेकंड वाला स्टेरॉयड ग्लाइकोसाइड सबके साथ कार्डियोटोनिक होते हैं, लेकिन यहां पर हम अलग अलग देख रहे हैं कि कोई एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है, कोई एडेप्टोजन प्रॉपर्टी है, किसी के पास पेप्टिक अल्सर ठीक करने की प्रॉपर्टी है, किसी के पास मिक्टुरिशंस के केस में यूज होते हैं, कोई गाउट में यूज करता है, कोई अर्थराइटिस में यूज करता है। तो ये यूज हमें याद रखना है, यहां पर इनके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो एक्सपेक्टोरेंट ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, एंटी स्पाजमोडिक प्रॉपर्टी है, एंटी गैस्ट्रिक इफेक्ट है, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज होते हैं। कहां पर? टोबैको में। टोबैको में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट लिकराइस को क्या किया जाता है? यूज होता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका लिकराइस। अब हम लोग आते हैं ग्लेबरा ग्लिसराइजा का कुछ स्पीसीज है, जैसे जी ग्लेबरा बार टिपिका स्पेनिश लिकराइस, जी ग्लेबरा बार ग्लैंडिलिफेरा रशियन लिकराइस, जी ग्लेबरा बार व्यूलोसा पर्सियन लिकराइस। ये कुछ लिकराइस के क्या है, वह स्पीसीज है जो आपको याद रखना है, एक बार देख लेना और कुछ खुद से भी याद करने की कोशिश करना अगर आपको रैंक बनानी है तो। सिनेगा का है बेटा सिनेगा स्नेक रूट और इसके अलावा रेडिश स्नेक रूट, फैमिली पॉलीजेनेसी, बायोलॉजिकल सोर्स पॉलीगेला सिनेगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट में देखो सेनेजिनिन 4% और पॉलीगेलिक एसिड 5.5%। तो पॉलीगेला सिनेगा, सिनेगा से सेनेजिनिन, पॉलीगेला से पॉलीगेलिक एसिड, सिनेजिन 4%, पॉलीगेला 5.5% केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। अलाइड इसका इंडियन सिनेगा और व्हाइट सिनेगा। इंडियन सिनेगा को पॉलीगेला चाइनेंसिस भी कहते हैं और व्हाइट सिनेगा को पॉलीगेला एलवा भी कहा जाता है। ये इनका क्या हो गया? एलाइड हो गया सिनेगा का। नोट द स्वीट टेस्ट ऑफ ड्रग इज ड्यू टू पॉलीगैलिटोल। पॉलीगैलिटोल के कारण इसकी जो टेस्ट होती है वो स्वीट होती है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। स्वीट टेस्ट जो होता है इसका सिनेगा का, ये किसके कारण है? पॉलीगैलिटोल के कारण। यूज कहां पर है? एज ए स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस के केस में, यानी कि ब्रोंकाई के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस केस में हम सिनेगा को क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है जी क्यूलिया। क्यूलिया का बेटा पनामा बूट सोप बार का आपको मालूम है, रोजेसिस की फैमिली है, क्यूलिया सेपोनेरियस का बायोलॉजिकल सोर्स है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है नाम से क्यूलिक एसिड और क्यूलिया सेपोटॉक्सिन, याद हो जाएगा क्यूलिक एसिड एंड क्यूलिया सेपोटॉक्सिन, इसका क्या है भाई? केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। यूज की बात करें तो एज ए स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट इसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। बार्क इज यूज टू मेक डिटर्जेंट एंड शैम्पू, डिटर्जेंट और शैम्पू बनाने के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है, और एज ए स्टिमुलेंट और एक्सपेक्टोरेंट भी इसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं कफ के केस में। ब्राह्मी का मंदुकपर्णी स्कोफिलेरियसिस की फैमिली है, सिनोनिम्स मालूम है, बायोलॉजिकल सोर्स आपको मालूम है, पैकोपा मंडेरिया और सेंट्रला एशियाटिका। केमिकल कंस्टिट्यूएंट में देखो एसियाटिका से है एसियाटिकोसाइड, मेडिकोसाइड, बैकोसाइड्स ए एंड बी, ये इसका क्या हो गया बेटा? केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो जाएगा। इसका यूज क्या है भाई? नरवाइन टॉनिक में इसका क्या होता है? यूज होता है। फोर्थ टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड है बेटा आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड। आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में एकमात्र था ब्लैक मस्टर्ड, ऐश करो मस्त रहो, फैमिली है क्रूसीफेरी, बायोलॉजिकल सोर्स है ब्रैसिका निग्रा, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है सीनी ग्रीन। ऐश करो मस्त रहो, लेकिन सीन मत करो, सीन मतलब पाप, पाप मत करो, ऐश करो मस्त रहो, लेकिन ज्यादा मस्ती करोगे तो लाइफ क्रूशल हो जाएगी। तो इसकी फैमिली क्रूसीफेरी थी, इसका बायोलॉजिकल सोर्स ब्रैसिका निग्रा है, लेकिन ज्यादा मस्ती करोगे तो मस्ती करो लेकिन सीन मत करो, यानी पाप मत करो, तो सीन से हो जाएगा बेटा सीनी ग्रीन। इसका यूज होता है काउंटर इरिटेंट, रूविफेसियंट एंड एमेटिक, ये इनका क्या है? यूज है। तो आज वाली क्लास में लगभग एक घंटे से ज्यादा जो हो गई, यहीं पर हम लोग क्लास को क्या करते हैं? एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो और केमिकल कंस्टिट्यूएंट बचा है वो आप हम लोग देखेंगे, यानी अभी दो क्लास और लगेगा ग्लाइकोसाइड को कंप्लीट होने में, है ना। जो आपका ग्लाइकोसाइड है वो अभी दो क्लास और लगेगा, यानी टोटल सिक्स पार्ट में। देखिए डीप में आपको पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा जी,
है ना, थोड़ा सा आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अपन शॉर्ट में चीज़ों को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अपन जो डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही डीप में डिस्कस कर रहे हैं। ये बुक भी हमारा अवेलेबल है फार्माकोग्नोसी का, वैसे हमने अभी अमेजोन पे नहीं डाला है, लेकिन आप अमेजोन से फार्माकोलॉजी का बुक आप परचेस कर सकते हैं, जो हमारी फार्माकोलॉजी जो है वो आप हमसे लिंक मांग कर हमारी बुक को आप परचेस कर सकते हैं। अमेजोन पे 199 की बुक है और लगभग 50 के अराउंड आपका वहाँ पर शिपमेंट चार्ज है, यानी 250 की आपको वो बुक पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, यानी ग्लाइकोसाइड का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सारी क्लासेस जो है वो अब 6 PM पे लाइव होगी, तो आप हर दिन 6 बजे ना लगभग, आपको अगर ग्रुप में मैसेज जाए ना जाए, चैट बॉक्स में मैसेज जाए या ना जाए, एक बार फार्मर्स पेरेंट चैनल को जरूर विजिट करें इवनिंग 6 PM पे। आपको यहाँ पर क्लासेस डेली जरूर एक प्रीमियर होगी, यानी एक लाइव क्लासेस आपको जरूर मिलेगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट, and please share and subscribe my channel. Thank you once again.